इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं कैसे हैं आप लोग दोस्तों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन दोस्तों, जय सियाराम। मेरा नाम है दोस्तों राज और आ चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग का ये 19वां मुकाबला लेकर। एक तरफ दोस्तों डमुला की टीम, दूसरी तरफ दोस्तों हमें यहाँ पर वी रफ कैंडी की टीम दोस्तों, एक तरफ यहाँ पर कुशल मैंडी, तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर विंदु हशरंगा। और देखेंगे दोस्तों इसी के साथ दोस्तों उतारे के स्ट्रीम के साथ जुड़ जाएगा और फटाफट दोस्तों लाइक करते रहिएगा। और दोस्तों उतारे की ये मुकाबला हमारे लिए कुछ आप लोगों के लिए दोस्तों जैकपॉट हो चुका है, जिस तरह से हमने पिछले मैच में कल के मैच में दोस्तों हमने जैकपॉट यहाँ पर क्रेश करा था दोस्तों, आज भी हम यहाँ पर क्रेश करना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि मेरा नाम है राज और आपका बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पर यूनिक राज 07 के यहाँ पर यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज में। इसी के साथ दोस्तों जुड़ते रहिए हमारे साथ और हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से टॉस होने में मात्र दोस्तों 1 मिनट का समय यहाँ पर बचा है। और उस समय के साथ दोस्तों बता दें कि पहले और थोड़े से माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी सी देरी के साथ हम आपके साथ लाइव आ पाए हैं, मगर कोई बात नहीं दोस्तों, बता दें कि हम इस मैच के यहाँ पर टीम बनाने से पहले, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर टॉस होने वाला है, मैच रेफरी और दोस्तों यहाँ पर बात करें दोनों कप्तान और जो यहाँ पर अंपायर हैं दोस्तों वो यहाँ पर ग्राउंड में आ चुके हैं। दोनों अंपायरों के साथ यहाँ पर बातचीत चली है दोनों कप्तानों की आपस में। और इसी के साथ में दोस्तों जब तक टॉस होता है तब तक दोस्तों ग्राउंड की यहाँ पर हम रिपोर्ट बात करें, वेन्यू स्टेट्स की बात करें दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात करें, टीम कंपेरिजन की बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टेबल की बात करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों जुड़ते रहिएगा इस टीम के साथ, लाइक करते रहिएगा और आपको बता दें दोस्तों सबसे पहले नज़र बना के रखिएगा दोस्तों पॉइंट टेबल पर। अगर दोस्तों बता दें कि पॉइंट टेबल की टीम अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि डम्बल और रोमा यहाँ पर जो डम्बल की टीम है दोस्तों, डम्बल की टीम दोस्तों कुशल मैंडी जिसका मैच आज यहाँ पर खेला है दोस्तों, वो यहाँ पर बता दें दोस्तों कि डम्बल अरोड़ा की टीम 7 मैचों में दोस्तों 5 जीत के साथ 2 हार के साथ 10 पॉइंट के साथ दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई कर चुकी है दोस्तों। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग का यहाँ पर पिछले साल में दोस्तों डम्बला टीम का जो यहाँ पर प्रदर्शन था वो उतना अच्छा नहीं था, मगर उन्होंने दोबारा यहाँ पर से कम बैक करा और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें वापसी करने को देखने को मिली। इसी के साथ में डम्बल अरोड़ा की टीम यहाँ पर दो पर जो कि पॉइंट टेबल में दोस्तों पहले नंबर पर और सिख पहले नंबर के साथ 10 पॉइंट के यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे नंबर पर हमें देखने को मिलेगी वी लव कैंडी। वी लव कैंडी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इनका शुरुआती जो सिलसिला था वो उतना यहाँ पर खास नहीं रहता, मगर उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन तरीके लास्ट के यहाँ पर 4 मुकाबले दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से जीते हैं, बैक टू बैक दोस्तों यहाँ पर मुकाबले जीते हैं। और इसी साल में यहाँ पर क्योंकि वी लव कैंडी 7 मैचों में 7 जीत के साथ 3 हार के साथ 8 पॉइंट के साथ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर 8 मिनट दूसरे पायदान पर। और इसी साल में अगर मैं बात करता हूँ तो हमें जाफना किंग्स की अगर बात करें तो दोस्तों बता दें कि यहाँ से जाफना किंग्स दोस्तों ये ऐसी टीम बन चुकी है जिसका दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 2023 में क्वालिफाई करने का दोस्तों कोई भी यहाँ पर वो नहीं है लगता है दोस्तों, बता दें कि ये टीम बाहर हो चुकी है, ये टीम दोस्तों बता दें कि इस लीग से एलिमिनेट हो चुकी है। और इसी साल में आपको बता दें कि जहाँ टीम को 8-8 मुकाबले खेलने हैं उसके बाद जाफना किंग्स के बाद दोस्तों अभी तक यहाँ पर एक भी मुकाबला नहीं यहाँ पर बचा है और जाफना किंग्स ने 8 मुकाबले में से दोस्तों 3 जीत दर्ज करी अपने रिकॉर्ड में और 5 हार बहुत ही बुरी है दोस्तों। बता दें कि जब जाफना किंग्स ने कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने यहाँ पर इसलिए ये श्रीलंका प्रीमियर लीग का ओपनिंग मैच था तो जाफना किंग्स ने यहाँ पर जीत के साथ ही यहाँ पर आगाज़ करा था, मगर उसके बाद दोस्तों लगातार हमें यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा। और इसी समय आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जाफना किंग्स पहली बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम से बाहर होने के लिए तैयार है। और इसी समय आपको बता देता हूँ कि गिले टाइटंस के पास भी दोस्तों मौका है यहाँ से वापसी करने का, देखा था कि गिले टाइटंस किस तरह से वापसी करते हुए देखेंगे। और आपको बता दें कि गिले टाइटंस ने अभी तक गिले टाइटंस के पास एक मुकाबला है। अगर यहाँ से गिले टाइटंस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर गिले टाइटंस अपना अगला मुकाबला दोस्तों अगर यहाँ से जीत जाती है तो दोस्तों जाफना किंग्स यहाँ से दोस्तों, और यहाँ पर ये बता दें कि जाफना किंग्स के पास अभी भी मौका है दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए, मगर यहाँ पर जाफना किंग्स का कोई मैच तो नहीं बचा है, मगर जाफना किंग्स दूसरी टीमों पर निर्भर रहेंगी, गिले टाइटंस के ऊपर और कोलंबो स्ट्राइकर्स के ऊपर यहाँ पर आपको बता दें कि निर्भर रहेंगी। और देखना होगा कि किस तरह से बात करें, अगर मैं जाफना किंग्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जाफना किंग्स के नज़रिए से अगर बात करी जाए तो जाफना किंग्स ने यहाँ पर 8 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले में से दोस्तों 3 जीत हैं दोस्तों, 5 हार हैं और यहाँ पर 6 पॉइंट के साथ तीसरे पायदान पर बनी है। अगर यहाँ पर गिले टाइटंस अपना क्योंकि अगले कल का मुकाबला दोस्तों जो कल का मुकाबला है, अगर गिले टाइटंस की टीम अगर वहाँ से हार जाती है तो दोस्तों बता दें कि जाफना किंग्स क्वालिफाई कर जाएगी। अगर उसी के साथ में अगर बता दें कि यहाँ पर जो कि कल के दिन कोलंबो स्ट्राइकर्स का मुकाबला है
तो अगर कोलंबो स्ट्राइकर दोस्तों उस मुकाबले में हार जाती है तब भी यहाँ पर जाफना किंग्स यहाँ पर जो कि क्वालिफाई कर जाएगी, मगर देखना होगा कि अगर जाफना किंग्स को दोस्तों यहाँ से मैच बचे नहीं है जाफना किंग्स के, तो यहाँ पर जाफना किंग्स को दूसरे मैचों के यहाँ पर उनको ऊपर दोस्तों यहाँ पर भरोसा जिताना होगा। इसी तरह में अगर गिल्ले टाइटन्स और कोलंबो स्ट्राइकर्स अगर दोनों अपने बचे हुए दोस्तों एक एक मुकाबला है अगर दोनों मुकाबले अगर जीत लेते हैं तो जाफना किंग्स 110% यहाँ से दोस्तों बाहर हो जाएगी, मगर अभी नहीं कह सकते हैं कि जाफना किंग्स दोस्तों यहाँ से बाहर है। और जाफना किंग्स का यहाँ पर 8 मैच जरूर हो चुके हैं, मगर देखा जाएगा कि अगर गिल्ले टाइटन्स और यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स में से कोई भी टीम दोस्तों वहाँ पर मैच को हारती है तो जाफना किंग्स दोस्तों वो यहाँ पर ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि क्यों कर जाएगी तो आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कि जाफना किंग्स का जो रन रेट है वो यहाँ पर गिल्ले टाइटन्स और कोलंबो स्ट्राइकर्स से बेहतर है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों गया अभी जाफना किंग्स के पास मौका है, मगर देखना किस तरह वापसी करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पर पॉइंट टेबल की बात हो चुकी है, अब ग्राउंड रिपोर्ट की दोस्तों बात कर ली जाए। ग्राउंड रिपोर्ट्स पे दोस्तों यहाँ पर यह है दोस्तों मुकाबला खेला जा रहा है प्रिंस सदा स्टेडियम कोलंबो के दोस्तों होम ग्राउंड में। और इस पिच की अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस ग्राउंड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर टोटल 35 मैच में खेले गए हैं, जिसमें दोस्तों फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 18 बार जीती है, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 17 बार जीती है। टाई जो मुकाबला है ड्रॉ मुकाबला है दोस्तों, तो ड्रॉ मुकाबला नहीं देखने को मिला है। और ये पिच यहाँ पर उतनी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बल्लेबाजों को उतनी नहीं यहाँ पर मदद मिलती है, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये पिच और स्लो होती जाती है। अगर यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करें अगर फर्स्ट इनिंग की, तो एवरेज स्कोर मेरे हिसाब से दोस्तों 147 से लेकर यहाँ पर 169 तक बन सकता है। और जो कल का मुकाबला था दोस्तों तो वो भी यहाँ से एक मुकाबला होता है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टॉस हो चुका है, टॉस के साथ वेल ऑफ कैंडी ने यहाँ पर विंदो हसरंगा ने टॉस को जीता है और जीतने के साथ पहले बल्लेबाजी माफी चाहूँगा दोस्तों पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले लिया है, ये निर्णय लिया गया है यहाँ से। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ से वेल ऑफ कैंडी ने यहाँ पर टॉस को जीत लिया है और टॉस को जीतने के साथ साथ दोस्तों उन्होंने बॉलिंग करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। और जो आज कल के दिन दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे तो कल के दिन यहाँ पर जो कि वेल ऑफ कैंडी और आपको बता दें कि कोलंबो स्ट्राइकर्स का यहाँ पर मुकाबला हुआ था, जिसमें वो अपनी टीम जो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे वो दोस्तों टीम थी यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स कल के दिन यहाँ पर 9 रन से जीती थी। और इसी तरह में दोस्तों बता दें कि आज एक बार फिर से दोस्तों जैकपॉट की तलाश में रहेंगे। अगर आप दोस्तों बता दें कि आज मैं हमारी टीम के साथ रहेगा और अपने परिवार दोस्तों जो यूट्यूब फैमिली है फेसबुक फैमिली हम उसको ऑन कराते रहेंगे। इसी तरह बता दें कि यहाँ पर ग्राउंड पर आते हैं अगर फर्स्ट इनिंग एवरेज की अगर बात करिए तो दोस्तों पहली इनिंग में हमें 147 से ज़्यादा दोस्तों 169 तक देखने को मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हाईएस्ट स्कोर 2021 में बना था जाफना किंग्स ने यहाँ पर 207 रन बनाते गिल्ले टाइटन्स के सामने। 2021 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 2021 के बाद यहाँ पर प्रेम सदा स्टेडियम में कोई भी यहाँ पर मुकाबला नहीं यहाँ पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 200 प्लस हुआ है। और इसी के साथ में लोएस्ट स्कोर की अगर बात करूँ तो लोएस्ट स्कोर दोस्तों दम्बुला ने जॉइंट के सामने बनाया था, तो 169 में कहीं ना कहीं दोस्तों दम्बुला के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अनलकी यहाँ पर ग्राउंड है। और वहीं जाफना किंग्स के लिए दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन है, जाफना किंग्स का दोस्तों इस ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और वेल ऑफ कैंडी भी दोस्तों अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अगर टॉस के ऊपर अपडेट की बात करूँ दोस्तों फेसबुक से पूछा जा रहा है अशोक कुमार द्वारा, अशोक कुमार भाई पूछ रहे हैं यहाँ पर फेसबुक से कि यहाँ पर टॉस किसने जीता। भाई टॉस आपको बता देता हूँ कि वेल ऑफ कैंडी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और ये निर्णय दोस्तों इस पिच पर बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ बता दें कि आप अनुमान से लगा सकते हैं कि कितना स्कोर देखने को मिल सकता है फर्स्ट इनिंग में, तो 150 से लेकर 180 तक हमें स्कोर देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बिटवीन का अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर अगर मैं स्कोर बिटवीन की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर 150 से लेकर 169 तक इस ग्राउंड पर 6 बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि टारगेट दिया गया है। स्कोर बिटवीन अगर 170 से 190 तक बात करूँ तो दोस्तों 7 बार और वहीं अगर 190 की बात करता हूँ दोस्तों तो 4 बार इस ग्राउंड पर 190 प्लस रन बने हैं, मगर 190 रन प्लस बने हैं तो दोस्तों उसमें से 3 बार ये 190 रन 207 रन चेस हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि अगर ये पिच यहाँ पर अगर हरकत भी करती तो सेकेंड इनिंग में दोस्तों ये पिच यहाँ पर रन दे सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि प्रेम सदा स्टेडियम में ग्राउंड है तो आउटफील्ड तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रहेगी और हम चाहेंगे दोस्तों कि वेल ऑफ कैंडी इस मैच को यहाँ पर जीते। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 2 टीमें टॉप टू टीम है दोस्तों यहाँ पर जो कि मैच को जीतेंगी और दोनों में से जो भी टीम दोस्तों इस मैच को जीतेगी वो टॉप ऑन टेबल बन जाएगी। और इसी के साथ बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट की बात हो चुकी है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर वेन्यू स्टेट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वेन्यू स्टेट
यहाँ से देखा जा रहा है दोस्तों कि मेरे हिसाब से वेन्यू स्टेट पे आप देख लीजिएगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 35 मुकाबले इस मैच में खेले गए हैं। तो 35 मुकाबले में से 18 मैच यहाँ पर पहली बार बैटिंग करने वाली टीम जीती है दोस्तों। 17 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 17 बार यहाँ पर सेकेंड में यहाँ पर चेस करने वाली यहाँ पर जो टीम है वो जीती है। हमको बता दें कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा पड़ा भारी है, मगर यहाँ पर सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं आप तो बिल्कुल आप रन चेस कर सकते हैं। अगर 200 प्लस भी है और आपके पास काबिलियत है या आपको 8 नंबर तक बल्लेबाजी है तो दोस्तों आप बिल्कुल इस यहाँ पर स्कोर को चेस करते हुए देख सकते हैं। अगर दमला की टीम इसको इस यहाँ पर इस विकेट पर अगर अच्छे टर्न अच्छी पेस के साथ अगर उनके बल्लेबाज अगर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं तो 190 हमें प्लस देखने को मिल सकता है, मगर उसके बाद भी वीर लकेंडी के पास वो क्षमता है कि 190 को चेस करने की। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो विनिंग परसेंटेज यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की 52% लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कि पहले बल्लेबाजी करने टीम जीतेगी। अगर सेकेंड इनिंग की बात करूँ तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 48% लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीम यहाँ पर क्योंकि बाद में बैटिंग करने वाली जीतेगी। और इसी क्षण में अगर बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग एवरेज यहाँ से 147 का रहता है और सेकेंड इनिंग एवरेज यहाँ से 130 रहता है। इसी क्षण में हाईएस्ट टोटल यहाँ पर जीटी का दोस्तों वी लव कैंडी के सामने इस ग्राउंड पर दोस्तों पर बात कर रहा हूँ मैं 185 विकेट के नुकसान पर, और दोस्तों लोएस्ट स्कोर तो 85 रन का था। और इसी साल में आपको बता दें कि पिच रिपोर्ट दोस्तों बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों पिच रिपोर्ट, और पिच रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों अपनी ड्रीम इलेवन टीम को दोस्तों यहां पर कन्वर्ट करिएगा। क्योंकि बता दें कि पिछले मैच में तेज गेंदबाजी ने यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर हमने जैसे बताया था कि पिच पर ये पिच यहाँ पर तेज गेंदबाजी के लिए दोस्तों यहाँ पर मददगार साबित हो सकती है, मगर एक स्पिनर भी हमने बताया था यहाँ पर। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पिच रिपोर्ट पर दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों जुड़ते रहिएगा स्ट्रीम के साथ, लाइक करते रहिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। और आपको बता दें कि पिच रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है प्रिंस दास स्टेडियम कोलंबो यहाँ पर की ये पिच है। यहाँ पर इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग एवरेज का स्कोर 147 रन देता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रिंस दास स्टेडियम कोलंबो इस पिच पर फास्ट बॉलर्स का बोल बाला देखने को मिल सकता है। इस ग्राउंड पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम मैच को अपने नाम कर सकती करती है। इस पिच के अनुसार दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, और टॉस जीतकर दोस्तों जो पहले यहाँ पर टॉस जो भी दोस्तों टीम जीतकर यहाँ पर जो भी टीम दोस्तों यहाँ पर टॉस को जीती है तो पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है, मगर देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि टीम का स्कोर, और टॉस हो चुका है वहाँ पर देखना होगा किस तरह करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हमारे साथ बनते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अब आते हैं दोस्तों गेंदबाजी के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों लास्ट के यहाँ पर 10 मैचों का यहाँ पर रिकॉर्ड उठा के देखें अगर हम गेंदबाजों का, तो लास्ट मैच में दोस्तों बता दें कि इस पिच पर यहाँ पर 72 विकेट 64% जो विकेट होते हैं दोस्तों एक मैच में वो यहाँ पर जो पेसर्स ने लिए हैं 64% जो विकेट है वो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने लिया है। तो वहीं यहाँ पर क्योंकि 40 विकेट इस ग्राउंड पर यहाँ पर जो कि 36% यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों ने लिए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पिच पर यहाँ पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। जिस तरह से यहाँ पर कल हमें देखने को मिला था मोहम्मद हसनैन ने, जमीर अकाउंट रतने ने, मोहम्मद शमी ने, क्या बहवित यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ ने, और दोस्तों बता दें कि वहाँ पर नशीम शाह ने दोस्तों वहाँ पर सहवाज धानी ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करी थी। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर विकेटों के वजह से यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स मैच को जीती थी। इसी समय यहाँ पर इस पिच पर आकर बल्लेबाज ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पिच यहाँ पर बल्ले गेंदबाजों को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अगर इस पिच पर आपको तो देखें कल का मैच जिस तरह से हुआ वो शुरुआती 5 मैच देखने को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कि अगर इस पिच पर दोस्तों बता दें कि आपको सही माने अगर कल का मैच का अनुभव लेते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो पिच का दोस्तों अनुभव ऐसा लग रहा है कि इस पिच पर यहाँ पर उछाल है, गति है और स्विंग है दोस्तों, और टर्न स्पिन गेंदबाजों के लिए टर्न है। अगर बल्लेबाज दोस्तों अगर कोई भी बल्लेबाज हो उछाल और दोस्तों स्विंग और टर्न को दोस्तों अगर तीन 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 तरह की गेंदों को अगर यहाँ पर खेल लेता है तो ये पिच दोस्तों उस बल्लेबाजों के बहुत ही अनुकूल हो जाएगी। और ये बल्ले को दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पिच बिल्कुल गेंदबाजों के लिए ही है, ये बल्लेबाजों के भी लिए है। दोस्तों बता दें कि इस पिच पर उछाल देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज अगर उछाल को सही तरीके से यहाँ पर अपनी अब अपने ऊपर दोस्तों कंट्रोल करके उसको शॉट को खेलेगी तो बिल्कुल दोस्तों बता दें कि ये पिच उसको रन दे के यहाँ पर दे सकती है, और क्या इतने नहीं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रन दे सकती है। और इसी तरह बता दें कि यहाँ पर पेसर्स और स्पिन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर पेसर्स का बोल वाला इस पिच पर रहता है। और दोस्तों बता दें कि अगर ड्रीम इलेवन टीम अगर बनाएगा तो उसमें तेज गेंदबाजों का दोस्तों यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है, मगर यहाँ पर एक स्पिन गेंदबाज को भी रखिएगा, बिंदु हसरंगा को दोस्तों जरूर रखिएगा। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि एक पोल पड़ा है, पोल पर दोस्तों वोट करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, और उसी के साथ में स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा। और आपको बता देता है दोस्तों कि यहाँ पर अगर बेहतर रिपोर्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ
तो वेदर रिपोर्ट दोस्तों बता दे कि इस पर दोस्तों यहाँ पर 45% यहाँ में ह्यूमिडिटी है। इस शाम का मुकाबला है दोस्तों, यहाँ पर थोड़े थोड़े से बादल हमें नज़र आ रहे हैं इस ग्राउंड के पीछे। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं 13%। और तापमान की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेम्परेचर की, तो यहाँ पर 35% दोस्तों टेम्परेचर रखा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस मैच में थोड़ी सी मैं हल्की भूल के दोस्तों बारिश हमें देखने को मिल सकती है, मगर हम चाहेंगे कि पूरे के पूरे 40 ओवर हमें देखने को मिले। और उसी तरह मैं आपको बता दें कि यहाँ पर अब दोस्तों आप आ चुकी है दोस्तों टीम की बारी, टीम के दोस्तों बारी आ चुकी है। और आपको बता दें कि टीम किस तरह से यहाँ पर जो कि व्हील ऑफ कैंडी की रहेगी, और किस तरह यहाँ पर डमला अरोड़ा की टीम रहेगी। और सिक्स मैं आपको बता देता हूँ, इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर उसको शेयर करते रहिए। और अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर डमला की टीम सामने आपके लिए आने के लिए तैयार है। दोस्तों बता दें कि तब तक अपना नाम दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपने मैच से जुड़े हुए कोई भी सवाल दोस्तों तो हमको ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह में डमला की टीम दोस्तों आ चुकी है आपके सामने दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि वहाँ पर लगातार दोस्तों वहाँ पर बॉल बाल चलता रहा, और इसी के साथ में डमला यहाँ पर डम्बलो की टीम आ चुकी है दोस्तों आपके साथ। और आपको बता दें कि अगर दोनों यहाँ पर दोनों टीमों के दोस्तों अगर रिसेंट पिछले मैचों के बारे में बात करूँ, तो दोस्तों बता दें कि डम्बला अपना पिछला मैच दोस्तों जीत कर यहाँ तक पहुँची है। और वहीं व्हील ऑफ कैंडी की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों अपना व्हील ऑफ कैंडी अपना पिछला मुकाबला हार के यहाँ तक पहुँची है, मगर चाहेंगे दोस्तों कि डमला अरोरा इस यहाँ पर इस जीत के साथ दोस्तों जो अपने टॉप पर रहे। और वे व्हील ऑफ कैंडी चाहती है कि दोस्तों अपना मोमेंटम यहाँ पर प्रदान करे। और इसी के समय यहाँ पर डमला अरोरा की टीम यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है, प्लेइंग 11 पर दोस्तों नज़र बना के रखिएगा। डमला की टीम के सामने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कुशल मेंडिस, और इसी के सामने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कुशल मेंडिस, मनिस्का फर्नांडो, बेन डोमर दोस्तों, और एलेक्स रॉस और धनंजय डिसिल्वा आपको दोस्तों 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते देखेंगे। बेन डोमर दोस्तों बता दें कि पिछले मैच में दोस्तों बेन डोमर ने बहुत ही बेहतरीन दोस्तों पारी खेली थी, 27 रन पर दोस्तों 4 विकेट हो चुके थे, और बहुत ही तगड़ी पारी खेली थी बेन डोमर ने, जिसके कारण दोस्तों उनको मैन ऑफ द मैच दिया। 3rd नंबर पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। हम चाहेंगे दोस्तों बेन डोमर डम्बल और रॉय के लिए दोस्तों इस मैच में भी अच्छे खासे रन बना कर दें। और इसी समय यहाँ पर कुशल मेंडिस, मनिस्का फर्नांडो आपको दोस्तों ओपनिंग करते हुए देखेंगे। इसी समय अगर बेन डोमर की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेन डोमर दोस्तों यहाँ पर 3rd पायदान पर आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे, और 4th पायदान पर आपको आते देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर एक और यहाँ पर बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एलेक्स रॉस। एलेक्स रॉस ने यहाँ पर पिछले मैच में अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों पिछले मैच में एलेक्स रॉस ने भी यहाँ पर बेन डोमर्ट के सामने 7 दोस्तों एक शतकीय साझेदारी जरूर लगाई थी। उस शतकीय साझेदारी के साथ दोस्तों डम्बल का जो स्कोर था वो 176 के करीब पहुँचा था। और उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर डम्बल की टीम ने दोस्तों उस मैच को भी अपने नाम करा था। तो इसी के साथ में एलेक्स रॉस यहाँ पर जो कि 4th नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते देखेंगे। उसी के साथ में 5वें नंबर पर धनंजय डिसिल्वा, और उसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर पर आपको बता दें कि यहाँ से दसुन तिलका आपको बल्लेबाजी करते देखेंगे। शिक्षण में यहाँ पर सदीरा दोस्तों आपको जो कि 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते देखेंगे, और 6ठे नंबर पर आपको मोहम्मद हसन अली हैं, और उसी के साथ में आपको बल्लेबाजी करते देखेंगे यहाँ पर विनेमो फर्नांडो। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आ चुके हैं प्लेइंग 11, और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बदलाव ज़रूर हुए हैं इस प्लेइंग 11 में। और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर व्हील ऑफ कैंडी के साथ दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 पर नज़र बना के रखिएगा, व्हील ऑफ कैंडी की किस तरह से रहती है। व्हील ऑफ कैंडी के ऊपर प्लेइंग 11 दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं। व्हील ऑफ कैंडी की तरफ से दोस्तों आपको दिनेश चंडीमल और पाकिस्तान के यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गेम, क्योंकि भाई पूर्व दोस्तों बता दें कि पूर्व यहाँ पर वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं दोस्तों पाकिस्तान टीम के यहाँ पर फकरतमा। अगर फकरतमा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पिछले मैच में यहाँ पर रनआउट हो चुके थे दोस्तों लगातार यहाँ पर, जो कि धीमी गति की भाई यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों, और जब यहाँ पर रन उनके बल्ले से निकलना स्टार्ट हुए थे दोस्तों, बता दें कि बिंदु हसरंगा की गलती की वजह से फकरतमा कल के मैच में दोस्तों आउट हो चुके थे। तो उसी के साथ में देखना होगा कि फकरतमा इस मैच में किस तरह से देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि
मोहम्मद हैरिस भी दोस्तों कल के मैच में यहाँ पर बहुत ही जल्दी आउट हो चुके थे। 4 बॉलों का सामना करा था मोहम्मद हैरिस ने, और यहाँ पर जो कि नसीम शाह की यहाँ पर 4th बॉल पर आउट हो चुके थे। और इसी कारण आपको बता दें कि मोहम्मद हैरिस पाकिस्तान के हैं, तो फकर तमाक के साथ आपको दोस्तों 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी ओपनर हैं दोस्तों, दोनों यहाँ पर विकेट कीपर हैं। यहाँ पर जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं मोहम्मद हैरिस, तो वो आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे फकर तमाक के साथ। तीसरे नंबर पर आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे दिनेश चंदीमा। 4th नंबर पर दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे विंदु हर्षरंगा। 5वें नंबर पर दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते देखेंगे यहाँ पर एंजेलो मैथ्यू। 6ठे नंबर पर दोस्तों आपको बल्लेबाजी करते देखेंगे हमें यहाँ पर डिसल्वा। और 7वें नंबर पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे यहाँ से, अगर मैं बात करता हूँ, आसिफ अली, पाकिस्तान के एक और यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाज आसिफ अली। उसी के साथ बता दें कि यहाँ पर 8वें नंबर पर यहाँ पर आएंगे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर एहसान बंद्रा। 9वें नंबर पर दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे यहाँ पर ईशु उडानंद। और 10वें नंबर पर नुआन प्रदीप। और 11वें नंबर पर यहाँ पर मुजीबुर रहमान आपको दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता देते आए कि यहाँ पर मैच ये दोस्तों थोड़ी ही देर में यहाँ पर स्टार्ट होने वाला, तब तक दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मैच से जुड़े हुए दोस्तों कोई भी सवाल है तो वहाँ पर भेजते रहिएगा, और हम आपके साथ दोस्तों आपको क्या सवालों का यहाँ पर जो आनंद है दोस्तों वो लेते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि मैच यहाँ से बाद 10 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा, तो इसी के साथ में दोस्तों लगातार यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब देखना होगा दोस्तों किस तरह से अपन मैच को आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं। तो ठीक था दोस्तों, बता दें कि मैच यहाँ पर थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है।
और इसी के साथ दोस्तों बता देते हैं कि एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है मैच बस थोड़ी ही देर में दोस्तों आपके साथ लाइव होगा। तब तक दोस्तों इस टीम को लाइक करते रहिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और आज अपनी टीम बता देते हैं, आज टीम दोस्तों हम बता दें कि वी लव कैंडी को आज हम सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे दोस्तों कि पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक वी लव कैंडी दोस्तों इस मैच पर हावी रहे। और इसी के साथ में अगर टॉस की अगर अपडेट आपको दे देता हूँ तो टॉस दोस्तों यहाँ पर वी लव कैंडी के कप्तान परविंदु हसनगर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अब देखना होगा कि ये निर्णय कितना सही साबित होता है दोस्तों, कितना ही गलत। और इसी के साथ देखना होगा कि यहाँ पर दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं दोस्तों वो मैदान में आने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और देखा जाएगा कि ये दोस्तों कितनी ही देर में हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ दोस्तों अब तक हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करते रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बातचीत चलती हुई और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दोनों टीमों के लिए दोस्तों अगर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अगर वी लव कैंडी की, अगर वी लव कैंडी दोस्तों अपना ये मुकाबला अगर हार भी जाती है तो दोस्तों उनको क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बता दें कि उनके पास सबसे पहले दोस्तों 8 पॉइंट हैं और 8 पॉइंट के साथ बता दें कि जो उनका रन रेट है दोस्तों वो बहुत ही बेहतर है बाकी टीमों से, चाहे दोस्तों वो जाफना किंग्स हो, चाहे अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि गिल्ले टाइटन्स हो, चाहे दोस्तों वो यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स हो, जहाँ पर कोई भी टीम वहाँ पर नीचे बची हुई तीन टीमें बचती हैं तो तीन टीमें दोस्तों बता दें कि आपको यहाँ से कि यहाँ पर जो कि जाफना किंग्स के पास नहीं पहुँच पाएंगे। और इसी साल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से बहुत ही अच्छी दोस्तों वहाँ पर करेगी अगर वी लव कैंडी की अगर मैं बात करूँ तो वी लव कैंडी अपना पिछला मुकाबला हार गई थी दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने। अगर वे डम्बलो और उरक की अगर मैं बात करता हूँ तो उनको अरोरा भी कि दोस्तों अपना पिछला मुकाबला हार के जीत के साथ यहाँ पर आई थी। और देखूंगा कि कुशल मेंडिस किस तरह से दोस्तों यहाँ पर कप्तानी करेंगे, पिछले मैच में दोस्तों कुशल मेंडिस बहुत ही जल्दी यहाँ पर आउट हो चुके थे तो हम चाहेंगे कि किस तरह से करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आज का मुकाबला देखना होगा और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि आप कहाँ से इस मैच को लाइव देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जुड़ते रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और ग्राउंड रिपोर्ट दोस्तों मैंने आपको बता दी है, पिच रिपोर्ट भी दोस्तों मैंने आपको बता दी है और यहाँ पर जो भी दोस्तों रिपोर्ट है वो हमने आपको बता दी है। कि अब बात आती है दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम की, तो ड्रीम इलेवन टीम दोस्तों हम आपके साथ शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों टीमों के दोस्तों खिलाड़ी हैं वो मैदान में आ चुके हैं और यहाँ पर टाइम हो चुका है दोस्तों 7:30 का और 7:30 के दोस्तों बताते होते ही यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ मैं बता दें कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी है वो मैदान में आते हुए और इसी के साथ बता दें कि आप लोग वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि बता दें कि अभी मेरा नया नवेला दोस्तों यहाँ पर जो चैनल है दोस्तों वो स्टार्ट करा है। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके प्यार की आवश्यकता है। इसी के साथ में पहली बॉल लेकर तैयार है दोस्तों यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज एक बार फिर से दोस्तों विनिस का फर्नांडो के सामने। और दोस्तों बता दें कि आज यहाँ पर कुशल मेंडिस दोस्तों मैच में नहीं भाग ले रहे हैं, पिछले मैच में दोस्तों यहाँ पर चोटिल हो गए थे जिसके कारण दोस्तों इस मैच में यहाँ पर भाग नहीं ले रहा है यहाँ पर ले रहे हैं। इसी के साथ में एंजेलो मैथ्यूज यहाँ पर बॉलिंग अटैक से तैयार हैं दोस्तों ओवर द विकेट्स यहाँ पर विकेट से गेंद लाने के लिए यहाँ पर फर्नांडो के लिए। इसी के साथ में दूसरी बॉल लेकर तैयार हैं इस बार दोस्तों हल्के हाथों से गेंद को खेला गया है विनिस का फर्नांडो की तरह आसानी से दोस्तों एक रन प्राप्त करेंगे यहाँ पर ओवर द पिच दोस्तों यहाँ पर अगर जो कि हल्के हाथों से खेला गया था। इसी के साथ में पहली बॉल यहाँ पर जो एंजेलो मैथ्यूज ने करी थी वो थोड़ी सी बाहर गेंद को बाहर के लिए लेकर गए, मगर इस बार दोस्तों जो गेंद करी है उसको गेंद को दोस्तों अंदर के लिए लेकर आए और उसके कारण दोस्तों बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा गेंद के दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्कोर लेकर दिशा में आसानी से दोस्तों एक रन देखने को मिलेगा। इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर यहाँ पर हो जाएगा 2 गोलों में यहाँ पर 3 रन। इसी के साथ में यहाँ पर सदीदा यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो सदीरा वैसे यहाँ पर 3 नंबर पर के लिए आते हैं मगर उनके कप्तान ने इस मैच में भाग नहीं ले रहे हैं जिसके कारण सदीरा को यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए भेजा गया है। और उससे पहले दोस्तों बता दें कि फील्डिंग में तब्दीली होती हुई यहाँ पर जो कि बॉलर हैं जो रुकते हुए और फील्डिंग में तब्दीली होती है दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सदीरा जो विकटों के पीछे यहाँ पर मारना पसंद करते हैं और पिछले दोस्तों बता दें कि यहाँ पर विकटों के पीछे दोस्तों यहाँ पर सदीरा ने काफ़ी ज़्यादा रन बटोरे हैं। इसी तरह में दोस्तों बता दें कि थर्ड मैन का खिलाड़ी है उसको पीछा भेजा गया है और इसी के साथ में कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर खिलाड़ी तो दोस्तों बता दें कि पीछे भेजा गया है मगर यहाँ पर सामने दोस्तों जड़ दिया गया है चौका और क्या बेहतरीन पहली बॉल पर दोस्तों टाइमिंग के साथ यहाँ पर रोम दिया था दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज ने। अब दोस्तों बता दें कि रोम से हट विकटों से हटे और जड़ दिया है दोस्तों बैकफुट पर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पंच के साथ 3 बॉलें हो जाएंगी, 3 बॉल में टीम का स्कोर हो जाएगा 5 पर और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई सदीरा के द्वारा। अगर सीधे सदीरा की अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर सदीरा ने पहली ही बॉल पर दोस्तों चौका के साथ स्कोर करा है तो हम चाहेंगे दोस्तों कि इस मैच में सदीरा दोस्तों एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है फील्डिंग में फिर दोस्तों तब्दीली
अब देखना होगा कि एम्बर है जो कि एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से अगर बात करें दोस्तों, अगली में अगर मैं एंजेलो मैथ्यूज की 2023 की अगर लंका प्रीमियर लीग की अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज ने लिया है। हाँ, विकेट टेकर दोस्तों यहाँ पर बल्ले के जो गेंदबाज हैं यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज, तो एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों आए हैं अब आप गेंदबाजी करने के लिए। हर मैच में दोस्तों यहाँ पर जो कि विंदु हसरंगा है एंजेलो मैथ्यूज को गेंद देते हैं, आप उनके एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं दोस्तों, अनुभव का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज हर मैच में, और इसी समय वो विकेट भी निकालते हैं। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर इस ओवर की पाँचवीं बॉल सदीरा के सामने, देखना होगा कि सदीरा क्या एक बार दोस्तों फिर बड़ा शॉट लगाया जाएगा। इसी साल में इस बार दोस्तों अपने यहाँ पर छोर को बदला गया है यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज के द्वारा, राउंड द विकेट से तैयार हैं अगली बॉल लाने के लिए। दोस्तों पटकी हुई गेंद दोस्तों जड़ दिया है बैकफुट पर एक बार फिर से दोस्तों, माफी चाहूंगा दोस्तों इस बार जड़ा है यहाँ पर स्कोर लेग पर, स्कोर लेग पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पर जो बता दें कि उछाल यहाँ पर उछाल नहीं प्राप्त हुआ और यहाँ पर हाँ उंगलियाँ भी फेंक दी दोस्तों इस गेंद पर, और जिसके कारण दोस्तों बता दें कि उनकी ये गेंद है यहाँ पर हेलमेट तक आई, और दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन यहाँ पर बता दें कि कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया है दोस्तों फाइन लेग की तरफ दोस्तों, बेहतरीन चौका और पावर प्ले चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दो ही खिलाड़ी बाहर रहते हैं दोस्तों, सदीरा और वनिस का फर्नांडो चाहेंगे दोस्तों की तेज गति के साथ रन बनाए जाए, और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उनके कप्तान नहीं है दोस्तों, तो कप्तान की जो कमी है दोस्तों वो टीम को खेलने नहीं दी जाए। इसी साल में एंजेलो मैथ्यूज एक बार फिर से तैयार हैं गेंद लाने के लिए, कहीं ना कहीं दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज का ये ओवर दोस्तों थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है, मगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो एंजेलो मैथ्यूज का पहला ही ओवर और पिछला अगर मैं कल के मुकाबले की अगर मैं बात करता हूँ तो कल भी दोस्तों बाबर आजम ने या पदम ने शंकर ने इनको पहले ही ओवर में 9 रन मार दिए थे। इसी क्षण में अगली बॉल लेकर तैयार है। इस बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दो चौके आने के बाद यहाँ पर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे सदीरा, मगर इस बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 5 जो रन आ चुके थे यहाँ पर 9 रन आ चुके थे पहले ही ओवर में, तो सदीरा दोस्तों इस गेंद पर जोखिम नहीं लेंगे। इसी क्षण में सीधे बल्ले के साथ दोस्तों गेंद को खेला और गेंद के दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर दिशा में रन लेने का कोई भी मौका नहीं है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि डम्बल की टीम का दोस्तों यहाँ पर पहला ओवर समाप्त हो चुका है, पहले ओवर समाप्ति के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर 9 पर बिना विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा कि दोस्तों बता दें कि नुआन प्रदीप कल यहाँ पर गेंदबाजी लेकर आते हैं क्या दोस्तों, हमें गेंदबाजी करते हुए देखेंगे कि यहाँ पर देखना कोई कौन से ऐसे गेंदबाजी है दोस्तों वो हम देखने को मिले। इसी के साथ में यहाँ पर पहले ओवर समय पर पहला ओवर में दोस्तों 9 रन प्राप्त हुए थे स्वयं वनिश का फर्नांडो, दो बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो मैं सदीरा की अगर मैं बात करूँ तो, और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कल के मुकाबले में मुजीबुर रहमान को दोस्तों भाग नहीं मिला था, मगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मुजीबुर रहमान आ चुके हैं दोस्तों। मुजीबुर रहमान यहाँ पर दुनिया भरी की ये
और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि माइक प्रॉब्लम के कारण दोस्तों मेरी आवाज़ है वो चली गई थी, और जो फेसबुक पे दोस्तों लोग हैं उन्होंने बताया था कि हमें उस आवाज़ को सही कर रहा था। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि मुजीबुर रहमान पहली बॉल पर दोस्तों चौका खाने के बाद क्या बेहतरीन तरीके से वापसी करी है, और इसी के साथ में यहाँ पर पहली बॉल पर चौका आ चुका था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुजीबुर रहमान ये बड़ा ओवर हो सकता है, मगर यहाँ पर मुजीबुर रहमान ने दोस्तों बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए मात्र यहाँ पर 6 बॉलों में दोस्तों दिए हैं सिर्फ 6 रन। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 15 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से देखना होगा कि दोस्तों इस बार यहाँ पर देखिए नए बल्लेबाज गेंदबाज लेकर आते हुए दोस्तों यीशु उड़ाना का दोस्तों कल का दिन यहाँ पर उनके लिए कुछ खास रहा नहीं था। तो बता दें कि यीशु उड़ाना 4 ओवर में दोस्तों बहुत ज़्यादा रन दिए, कम से कम दोस्तों 53 रन दिए थे दोस्तों यीशु उड़ाना ने कल के मैच में। इसी समय यीशु उड़ाना तैयार है यहाँ पर सदीरा के सामने ओवर द विकेट। तो इस बार दोस्तों सदीरा लेकर आए गेंद को दोस्तों पटकी हुई गेंद कट करने की कोशिश, गेंद को दोस्तों गैप में नहीं निकल पाया सदीरा, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर डॉट गेंद देखने को मिली। एक बार फिर से दोस्तों गेंद लाने के लिए तैयार हैं यहाँ पर जो कि यीशु उड़ाना दोस्तों, और यीशु उड़ाना भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर वी लव कैंडी के साथ जुड़े हैं। और यहाँ पर यीशु उड़ाना ने दोस्तों कि दुनिया भरे से यहाँ पर जो लीगें का जो लीग खेल खेल के जो अनुभव है दोस्तों वो यहाँ पर इकट्ठा करा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यीशु उड़ाना अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि 2 गोले हो चुके हैं, 2 गोले शुरुआती 2 गोले पर यहाँ पर यीशु उड़ाना है जो रन नहीं दिए हैं। देखना होगा कि लास्ट की 4 गोलों पर किस तरह से हमें बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे सदीरा। अगर सदीरा की अगर मैं बात करूँ तो वैसे ये 3 नंबर पर आते हैं, मगर उनके कप्तान नहीं है तो उसके कारण यहाँ पर सदीरा को ओपनिंग के लिए भेजा गया है। और कहीं ना कहीं सदीरा अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, एक अच्छे लय में भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और देखा जाएगा किस तरह करेंगे। इसी समय बता दें कि टीम का स्कोर 15 पर हो चुका है बिना किसी नुकसान पर, और अभी भी दोस्तों यहाँ से 4 बोले बची हैं। एक बार फिर से तीसरी बॉल लाने के लिए तैयार हैं सामने है यहाँ पर यीशु उड़ाना सदीरा ओवर द विकेट लाने के लिए तैयार है। दोस्तों बता दें कि इस बार यहाँ पर बैक फुट पर दोस्तों खेलने की कोशिश करी गई थी, मगर बेहतरीन फील्डिंग के चलते दोस्तों यहाँ पर रन लेने का मौका नहीं दिया है यहाँ पर जो कि फील्डर्स ने। और इसी के साथ में धीरे धीरे यहाँ पर दबाव बनता हुआ बल्लेबाज के ऊपर, और यीशु उड़ाना दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, रूम नहीं दे रहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यीशु जो कि सदीरा है वो यहाँ से घोड़े से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि विकेट अलर्ट मेरे हिसाब से दोस्तों कि विकेट आने वाला है, जिस तरह से यहाँ पर यीशु उड़ाना दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और क्या अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रन भी आ सकते हैं, तो बता दें कि यहाँ पर रन आ सकते हैं। सिक्स में यीशु उड़ाना अगली बॉल देने के लिए तैयार हैं, अगली बॉल दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर बैक ऑफ लेन, मगर उस बार दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया है बेहतरीन चौका, और 3 चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा यहाँ पर 19 बार बिना किसी नुकसान पर। धीरे धीरे दोस्तों बता दें कि सदीरा यहाँ पर लय में प्राप्त करते हुए, सदीरा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों सदीरा बिल्कुल सदी हुई यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल कॉली वाला शॉट हमें देखने को मिला है 84 बॉल पर। इसी कॉली वाले शॉट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 19 पर बिना किसी नुकसान पर। 9 बॉलों में दोस्तों 13 रन बनाकर खेल रहे, तो वहीं विनेश फर्नांडो 7 बॉलों में दोस्तों 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। और सदीरा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सदीरा में कहीं ना कहीं महिला जयवर्धने की जो झलक है वो देखने को मिलती है। इसी समय यहाँ पर अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, यहाँ पर सामना करा जाएगा एक बार फिर से दोस्तों यीशु उड़ाना लेकर तैयार हैं सदीरा की गेंद कर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर ओवर द विकेट गेंद लाने के लिए। यहाँ पर इस बार दोस्तों ओवर द विकेट लेकर आए, पटकी हुई गेंद दोस्तों पिछली बॉल को दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से, तो इस बार दोस्तों यहाँ पर जो कि पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है बेहतरीन चौका, क्या बेहतरीन कलात्मक यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। शुरुआती 3 बॉलों में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बांध के रखा था यीशु उड़ाना ने दोस्तों सदीरा को, मगर लास्ट की 2 बॉल पर क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इसी बल्लेबाजी को दोस्तों बता दें कि सदीरा ने बिल्कुल जड़ दिया है। और इसी के साथ में बता दें कि टीम का स्कोर 23 पर हो चुका है बिना किसी नुकसान पर। अब जहाँ से 10 बॉलों में दोस्तों बता दें 10 बॉलों में 17 रन बना चुके हैं सदीरा, और देखा जाएगा कि लास्ट बिल्कुल किस रन करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सदीरा को सदी हुई गेंदबाजी करते हैं। अगर पावर प्ले की अगर मैं बात करूँ तो पावर प्ले का अगर डम्बलों की टीम को इस मैच को अगर जीत दर्ज करनी है तो पावर प्ले का जो भरपूर फायदा है वो पावर प्ले में यहाँ से उठाना पड़ेगा। अगर पावर प्ले का अगर फायदा नहीं उठा पाएंगे तो डम्बलों की टीम दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आगे निकल जाएगी। और इसी के साथ में 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, टीम का स्कोर हो चुका है 23 पर बिना किसी नुकसान पर। और एक बेहतरीन दोस्तों यहाँ से कहते हैं कि शुरुआत होती हुई बेहतरीन शुरुआत के साथ यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर गेंद शुरुआती है दोस्तों यहाँ पर लेकर आते हैं। देखना होगा कि एंजेलो मैथ्यूज लेकर आते हैं या फिर देखना होगा किस तरह करेंगे। एंजेलो मैथ्यूज़ ने अपने पहले ओवर में यहाँ पर कहते कि एंजेलो मैथ्यूज़ ने यहाँ पर हर ओवर में दोस्तों किया, हर मैच की अगर मैं बात करूँ तो हर मैच में यहाँ पर विकेट निकाल के दिए हैं। अगर मैं चाहूँ तो अगर पिछले मैच में अगर बात करूँ तो पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पिछले मैच में यहाँ पर 3 विकेट, और उसके बाद दोस्तों बता दें कि इनको यहाँ पर विकेट नहीं मिली थी चौथे मैच में, मगर पाँचवें मैच में दोस्तों फिर से 2 विकेट, छठे मैच में यहाँ पर विकेट नहीं मिली थी। इसी तरह में मुजीबुर रहमान तैयार हैं सामने दोस्तों मनीष फर्नांडो।
और अगली दोस्तों बता दे कि अगली बॉल पैरों पर गेंद दोस्तों दिशाहीन गेंद, यहाँ पर सिर्फ बल्ले को दिशा दिखानी थी, गेंद को दिशा ना दिखानी थी। यहाँ पर बता दे कि दोस्तों कि थर्ड मैन का जो खिलाड़ी है वो 3 शॉट सर्कल में है और यहाँ पर दादा की दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं मुजीबुर रहमान ने दोस्तों ऑफ कटर डालने की कोशिश करी थी और कुछ यहाँ से ऐसा लगा है कि गेंद हाथ से छूट गई थी यहाँ पर मुजीबुर रहमान से, जिससे वहाँ पर पहली बॉल पर नाराज थे और वहाँ पर जो कि गेंद पैरों पर डाल रही थी और सिर्फ वहाँ पर मनीष का फर्नांडो ने बल्ले को घुमाया और बेहतरीन दोस्तों में चौका पाया। इसी क्रम में अगली बॉल मुजीबुर रहमान के द्वारा लेकर फिर बढ़ते हैं, इसके बाद दोस्तों ओवर द विकेट से गेंद अपने एंगल को परिवर्तित करा है। इसी के साथ में दोस्तों ओवर द विकेट से लेकर आया और यहाँ पर फ्लाइटेड गेंद को दोस्तों पड़ा है कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उठा दिया है दोस्तों लोगों के ऊपर से, पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बता दें कि 90 मीटर लंबा क्या बेहतरीन छक्का दोस्तों हमें देखने को मिला है, इसी बेहतरीन छक्के के साथ टीम का स्कोर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 33 पर बिना किसी नुकसान पर और क्या बेहतरीन दोस्तों जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है मुजीबुर रहमान मगर कहीं ना कहीं जो वी लव कैंडी के कप्तान हैं वो बात कर रहे हैं दोस्तों मुजीबुर रहमान को, अगर देखा जाएगा कि अगली बॉल को किस तरह से करते हैं। और अभी तक अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्योंकि वनिश का फंडान हो दोस्तों, अभी तक दोस्तों सदीरा यहां पर जो कि रन बना रहे थे मगर यहां पर सदीरा की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहां पर ज्वाइन कर ली है दोस्तों यहां पर वनिश का फंडान ने, इसी पन में चौथी बॉल पर हल्के हाथों से खेलते हुए आसानी से एक रन देखने को मिला है और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 34 पर बिना किसी नुकसान पर। मुजीबुर रहमान 17 रन दे चुके हैं अभी तक दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 10 बॉल में कहीं ना कहीं मुजीबुर रहमान दोस्तों उनका जो फिरकी है वो इस मैच में चल नहीं रही है और दोनों बल्लेबाज अपने ऊपर जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर दोस्तों जिम्मेदारी को लेकर खेल रहे हैं, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर अगर इससे पहले दोस्तों कि यहाँ पर जो कि जब इशू उठाना यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे थे उसमें दोस्तों 2 चौके मार दिए थे, उसके बाद यहाँ पर जो कि सदीरा ने आखिरी बॉल भी दोस्तों यहाँ पर मार सकते थे मगर आखिरी बॉल को सदीरा ने मारा नहीं और उस यहाँ पर डिफेंड करा तो यहाँ पर जो कि पिछले ओवर में दोस्तों 8 रन प्राप्त हो चुके थे और उसके बाद आपको जो कि यहाँ पर मुजीबुर रहमान अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो मुजीबुर रहमान के दूसरे ओवर में दोस्तों यहाँ से 11 रन आ चुके हैं मगर यहाँ पर सदीरा भी यहाँ पर बता दें आप लोगों को मुजीबुर रहमान के ऊपर यहाँ पर जो कि जोखिम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बता दें कि जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ी हिट आ चुके हैं तो यहाँ पर रन आ चुके हैं यहाँ पर एक ओवर के। इसी साल में आखिरी बॉल पर एक और बेहतरीन सिंगल, इसी सिंगल के साथ यहाँ पर इस ओवर में देखने को मिले हैं 12 रन और उसी 12 रन के साथ यहाँ पर स्कोर पहुँच जाएगा 4 ओवर की समाप्ति पर 35 पर बिना किसी नुकसान पर। और जुड़ते रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, जब वेस्ट टीम को लाइक करते रहिएगा और अब तक अगर बात करूँ दोस्तों सबसे महंगा ओवर रहा है यहाँ पर मुजीबुर रहमान का, यहाँ से 16 ओवर का खेल बचा है तो देखा जाएगा कि दोस्तों 16 ओवर में और कितने रन हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों जुड़ते रहिएगा और मैच को दोस्तों लाइक करते रहिएगा और अगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ऐसा क्या दोस्तों अपने जो सवाल है दोस्तों कमेंट में भेजते रहिएगा अगर कोई भी दोस्तों मैच से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो कि 35 पर बिना किसी नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। और इसी के साथ में यहाँ पर जय सियाराम भाई लोगों, जय सियाराम आप देखना होगा कि किस तरह से मैच लेकर बढ़ रहे हैं। अगर वी लव कैंडी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वी लव कैंडी के आपके ओनर पता है नहीं पता है दोस्तों, तो वी लव कौंडी के कैंडी के जो ओनर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वी लव कैंडी के जो ओनर हैं वो कोई और नहीं कि दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बॉलीवुड के संजय दत्त हैं दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि डिशलबा यहाँ पर जो कि चंदन डिशलबा दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बैक फुट पर जाकर दोस्तों यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों पंच कराई थी, पंच के साथ दोस्तों टीम पहुँच जाएगी 39 पर बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर चौका देखने को मिला है दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर पंच करा है क्योंकि बता दें कि यहाँ पर गेंद को टर्न कराया था जहाँ पर जो डिसलवा ने और दोस्तों जहाँ पर जो कि गुड रेंज पर गेंद पड़ी थी कब पड़ने के बाद दोस्तों उनके सीने की तरफ आई और यहाँ पर का जो कि अगर मैं सदीरा की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों सदीरा हर बॉल को दोस्तों विकटों को छोड़ कर यहाँ पर खेलते हैं, विकटों को दोस्तों छोड़ा रूम बनाया और बैकफुट पर जड़ दिया है बेहतरीन चौका, इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा 39 पर। अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा और देखने को दोस्तों यहाँ पर बातचीत चलती हुई थी सदीरा और यहाँ पर बिंदु अश्रंगा की। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर जो कि फिसलवा तैयार है अगली बॉल लेकर लाने के लिए दोस्तों, बता दें कि अगली बॉल को लेकर आया है दोस्तों, बता दें कि अगली बॉल को फिर से कट करा है दोस्तों, इस बार बैकफुट पर क्या बेहतरीन तमाचा मारा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वहाँ पर बहुत जोर का तमाचा मारा है दोस्तों यहाँ पर जो कि डिसलवा के ऊपर पहली बॉल दोस्तों ऑन साइड पर दोस्तों, इस बार दोस्तों यहाँ पर बैकफुट पर क्या बेहतरीन चौका देखने को मिला है, लगातार दो चौके प्राप्त हुए थे, 2 चौके के साथ टीम का स्कोर 43 पर बिना किसी नुकसान पर। और लगातार यहाँ पर डब्ल्यू की टीम दोस्तों यहाँ पर एक अच्छे टारगेट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, डिसलवा की अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, सामना फिर करा जाएगा, तीसरी बॉल देखेंगे किस तरह करेंगे, तीसरी बॉल को सीधे बल्ले के साथ खेला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में आसानी से रन लिया क्योंकि आपको बता दें कि एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी अभी तक तैनात था मगर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज तो
यहाँ पर जो फील्ड है दोस्तों उसको यहाँ पर खोला गया है। मात्र दो ही खिलाड़ी यहाँ पर पीछे पीछे रख सकते हैं। अभी पावर प्ले चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डब्ल्यू की टीम पावर प्ले का बिल्कुल सही तरीके से फ़ायदा उठा रही है और हम चाहेंगे दोस्तों कि इसी तरीके से बल्ले जारी रहे और एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिले। क्योंकि बता दें कि आपको लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर देख देख कर मेरी आँखें तरस गई हैं भाई मेरे। अब मेरे को लो स्कोरिंग मैच नहीं देखने, हाई स्कोरिंग मैच देखना है। इसी तरह टीम का स्कोर 45 पर बिना किसी नुकसान पर, सोलह बोलों में 27 रन बनाकर यहाँ पर सदीरा खेल रहे हैं। तो वहीं पर हम मनीष का फर्नांडू भी दोस्तों 12 बोलों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी तरह पांचवीं बॉल डॉट गेंद रहेगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है और इसी के साथ में धक धक हो रहा था इस ओवर में। क्यों यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर सदीरा लगातार यहाँ पर डिसलवा के ऊपर आक्रमक होने की कोशिश कर रहे थे, मगर यहाँ पर डिसलवा ने दोस्तों बता दें कि गेंद करी और यहाँ पर स्लॉक्स भी मारने की कोशिश करी गई थी। यहाँ पर सीधे विकेटों की लाइन में पाए गए और यहाँ पर दो की अंपायर दोस्तों जो ऑनफील्ड अंपायर हैं तो उन्होंने दोस्तों वहाँ पर आउट दिया है, मगर उसके जवाब में यहाँ पर बैटिंग रिव्यू लिया गया है। देखना होगा कि दोस्तों बैटिंग रिव्यू क्या बचा पाते हैं, क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, रिव्यू तो लिया है। थर्ड अंपायर दोस्तों चेक तो कर रहे हैं और आपको बता दें कि सबसे पहले दोस्तों नो बॉल चेक करी जा रही है, नो बॉल तो नहीं है। और उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पैडों पर तो गेंद लगी है और अल्ट्राइज में यहाँ पर देखा जाएगा कि अल्ट्राइज यहाँ पर चेक करा था कि अल्ट्राइज में क्या यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है या नहीं लगा है। और इसी समय आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि ऑन फील्ड अंपायर है दोस्तों लगातार यहाँ पर बातचीत करते हुए और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अंपायर अगर थोड़ा सा भी बल्ला लगा तो यहाँ पर नॉट आउट रहेंगे। इसी क्षण में अगली बॉल लेकर तैयार है और मेरे हिसाब से यहाँ पर बल्ला नहीं लगा है, शायद बल्ला नहीं लगा है। यहाँ पर स्नूकर मीटर पर दोस्तों कोई भी हमें हलचल नहीं दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर एक लाइनें होती हैं दोस्तों वो यहाँ पर उड़ती हुई नहीं दिखा रही है। और इसी क्षण में आपको बता दें कि यहाँ पर जो बल्ले का किनारा है वो बिल्कुल भी नहीं लगा है। और इसी क्षण में जो यहाँ पर जो कि जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पर डमला टीम के वो यहाँ पर उनके दिल में दोस्तों धक धक हो रही है। इसी क्षण में अगली बॉल लेकर तैयार हैं, सामना फिर से करा जाएगा और देखना होगा कि दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर नॉट आउट रहेंगे, नॉट आउट ही रहेंगे दोस्तों। मेरा कुछ ऐसा धक धक हो रहा था और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो गेंद है दोस्तों यहाँ पर विकटों के जो यहाँ पर विकटों के सामने पिच तो ज़रूर हुई थी दोस्तों, मगर टर्न के साथ दोस्तों यहाँ पर गेंद को दोस्तों बता दें कि जो यहाँ पर स्टंपों को छोड़ते हुए निकल गई थी। और इसी के साथ बता दें कि 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 5 ओवर में टीम का स्कोर आपको बता दें कि यहाँ से 45 पर। और यहाँ पर जो बैटिंग रिव्यू का दोस्तों यहाँ पर फायदा मिला दोस्तों यहाँ पर सदीरा को, और सदीरा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे दोस्तों जिस तरह से उन्होंने खेला। सदीरा भी यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ पर जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि उन्होंने यहाँ पर सदीरा ने को जैसे भी यहाँ पर जो पैडों पर गेंद लगी वैसे अपील करी गई दोस्तों। तो यहाँ पर डिसिल्वा के द्वारा तो डिसिल्वा ने यहाँ पर जो कि अंपायर थे और अंपायर ने तुरंत ही आउट दे दिया था यहाँ पर सदीरा को, मगर सदीरा ने यहाँ पर वनिष्का फर्नांडिस से पूछा भी नहीं था और उनकी तरफ देखा भी नहीं था दोस्तों। सदीरा ने तुरंत यहाँ पर रिव्यू लिया और वो कहीं ना कहीं जानते थे कि ये रिव्यू मेरे जीवनदान हो सकता था, क्योंकि ये रिव्यू ये गेंद है विकटों पर नहीं लगेगी। और इसके साथ में दोस्तों विकेट ओवर गेंद नहीं लगी और हमें डॉट गेंद देखने को मिली। इसी के साथ में दोस्तों मुजीबुर रहमान तैयार हैं अपना तीसरा ओवर लेने के लिए पावर प्ले में एक बार फिर से। इसी तरह में अगली बॉल लेकर तैयार हैं और इस बार दोस्तों बता दें कि सदीरा नहीं तो दोस्तों वनिष्का फर्नांडो, आप किस किस से बचेंगे दोस्तों? बता दें कि यहाँ पर दोनों बल्लेबाज दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि चारों तरफ से दोस्तों रन बनाए जा रहे हैं, चारों तरफ से बनाए जा रहे हैं। कभी दोस्तों ऑन फील्ड, कभी दोस्तों बता दें कि गली से चौका निकल रहा है, कभी यहाँ पर पॉइंट से चौका निकल रहा है, कभी दोस्तों यहाँ पर स्कोर लेग से चौका निकल रहा है। और बता दें कि यहाँ पर मोहम्मद हैरिस ने यहाँ पर कोशिश तो अच्छी करी थी मगर यहाँ पर गेंद को रोक नहीं पाएंगे। इसी समय यहाँ पर डमला का टीम का स्कोर पहुँच चुका है 49 पर विनय के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से एक तीसरी बॉल देकर फिर से तैयार है मुजीबुर रहमान। इस बार देखा जाएगा कि मुजीबुर रहमान किस तरह से गेंद को करेंगे, क्योंकि इस मैच में मुजीबुर रहमान का जो फिरकी है वो यहाँ पर चल रही नहीं रही है। और यहाँ पर अगर मैं T20 का अगर जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग में दोस्तों T20 मुकाबला चल रहा था जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग में, तो यहाँ पर जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग में मुजीबुर रहमान ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करी थी। हर मैच में दोस्तों एक या दो विकेट हर मैच में ले जाते थे, तो उसको या उस फॉर्म को लेकर आए यहाँ पर श्रीलंका में। मगर जैसे दोस्तों यहाँ पर मुजीबुर रहमान श्रीलंका में आकर पहुँचे तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो फॉर्म गायब हो चुकी है। और कहीं आपको बता दें दोस्तों कि हमको मौका मिलता है मुजीबुर रहमान को यहाँ पर गेंदबाजी करने का तो आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों बता दें कि कहीं ना कहीं अपने लय को तो यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर चार बोले हो चुके हैं, चार बोले की शुरुआती चार बोले की बोलों पर हमें
यहाँ पर 6 रन देखने को मिले। सिक्स रन में अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा दोस्तों। अगर गेंदबाजों की अगर मैं बात करूँ, पांचवीं बॉल लेकर तैयार है और पांचवीं बॉल पर दोस्तों सभी रन से यहाँ पर माफी चाहूँगा निष्का फर्नांडो ने यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया है दोस्तों लॉन्ग वन की तरफ। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पावर प्ले की ये आखिरी बॉल बची है, तो आपने दोस्तों जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि दोस्तों यहाँ से जो 35 गेंदें खेली गई हैं, 35 गेंदें खेली गई हैं और यहाँ पर छः ओवर होते हैं दोस्तों पावर प्ले के। तो 6 ओवर में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बल्लेबाजों ने दोस्तों अगर 2 बाउंड्री लगा दी, अगर 8 रन अगर 10 रन आ गए हैं दोस्तों शुरुआती 2 बॉलों पे या दोस्तों 3 बॉलों पे, तो उसके बाद जो लास्ट की 3 बॉलें रहती हैं उस पर दोस्तों यहाँ पर और रन बटोरने की कोशिश नहीं करी जा रही है। बहुत ही यहाँ पर साधारण दोस्तों बल्लेबाजी करी जा रही है। अगर बैटिंग की बात करूं दोस्तों तो दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही दोस्तों बता दें कि कप्तान नहीं यहाँ पर कुशल मेंडिस, उनकी यहाँ पर गैर मौजूदगी में दोस्तों दोनों बल्लेबाज यहाँ पर अपने ऊपर दोस्तों यहाँ पर दबाव को लेते हुए दोस्तों और प्रेशर को झेलते हुए दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करी। और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 6 ओवर की समाप्ति पर 53 पर बिना किसी नुकसान पर। देखना होगा कि कप्तान बिंदु हरसंगा को ही आना हुआ गेंदबाजी करने के लिए अगर यहाँ से एक साझेदारी को रोकना होगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और फील्ड खुल चुकी है दोस्तों। बता दें कि अब तो ही मज़ा है, अब दोस्तों मज़ा है कि यहाँ तक 84 गेंदें बचे हैं, 84 गेंदों में देखा जाएगा कितने रन बनते हैं। इसी के साथ में बिंदु हसरंगा गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। बिंदु हसरंगा ने पिछले मैच में हमें यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे बैक टू बैक दोस्तों। एक ही ओवर में पहला विकेट था दोस्तों वो यहाँ पर पतंग शंकर का था, दूसरा यहाँ पर वेक्टियार अहमद का था। दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर देखिए हसरंगा किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे सदीरा के सामने, विनेश्का फर्नांडो के सामने। सदीरा दोस्तों बहुत ही अच्छे पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि सदीरा को अभी भी दोस्त बता दें कि आप सही तरीके से करेंगे। इसी तरह में ओवर द विकेट से तैयार हैं गेंद लाने के लिए और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर देखने किस तरह करेंगे। इसी तरह में आपस जो कि बिंदु हसरंगा अगली बॉल ओवर द विकेट से तैयार है, बट गेंद यहाँ पर जो कि दोस्तों गुड लाइन पर गेंद पटके दी और दोस्तों यहाँ पर जड़ दिया है, कोई गेंद आ रही है विकेट यहाँ पर जो कि फील्डर के पास आसानी से दोस्तों 1 रन देखने को मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पर जब तक खिलाड़ी दोस्तों गेंद को फील्ड करेगा तब तक 1 रन ले लिया गया था, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 54 पर बिना किसी नुकसान पर। और बिंदु हसरंगा की अगर मैं बात करूँ तो बिंदु हसरंगा कहीं ना कहीं दोस्तों इस सीजन में दोस्तों बहुत ही अच्छा मैं प्रभावित देख रहे हैं, यहाँ पर उनके बल्ले से रन भी निकल रहे हैं दोस्तों, विकेट भी ले रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार हैं, यहाँ पर सामना करेंगे अनुष्का फर्नांडो। अनुष्का फर्नांडो ने दोस्तों सीधे बल्ले के साथ खेला, आसानी से दोस्तों डॉट गेंद देखने को मिली। और आपको बता दें कि यहाँ पर जमला के जो बल्लेबाज हैं दोस्तों वो चाहेंगे कि बिंदु हसरंगा के 24 बॉल पर, अगर आपको बता दें कि दोस्तों बिंदु हसरंगा के अगर 24 बॉलें अगर हटा दें, 4 ओवर अगर हटा देते हैं तो 16 ओवर बचते हैं। तो दोस्तों बता दें कि डमला के बल्ले जो डमला की बल्लेबाजी है वो दोस्तों इतनी गहरी है कि यहाँ पर 16 ओवर में दोस्तों 170-180 रन बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बिंदु हसरंगा की यहाँ पर जो कि बड़े शॉट ना लगाएं दोस्तों, कोई भी यहाँ पर हवाई फायर ना करें, बहुत ही चालाक दोस्तों गेंदबाज है। आप सिंगल से दोस्तों बता दें कि हर ओवर में दोस्तों 5-6 रन लेकर आते रहिए, ये मैच दोस्तों आपकी पकड़ में रहेगा। और सिक्स में टीम का स्कोर हो चुका है 56 पर बिना किसी नुकसान पर और लगातार दोस्तों हमें बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई, जिस तरह से गेंदबाजी चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 5 गेंदें हो चुकी हैं बिंदु हसरंगा की, तो 5 गेंदों में जो रन दिए हैं वो रन दिए हैं सिर्फ 4। और इसी के साथ में अभी भी यहाँ से 1 गेंद बची है, यहाँ पर सदीरा सामना करने वाले हैं। तो देखा जाएगा सदीरा लास्ट बॉल को किस तरह खेलेंगे। अब तक सर इस ओवर में दोस्तों बाउंड्री नहीं देखने को मिली, क्या सदीरा दोस्तों इस बॉल पर बाउंड्री लगाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आखिरी बॉल पर दोस्तों देखने को मिला है डॉट गेंद, इसी डॉट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 57 पर। यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति पर, 7 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर 57 पर। और अंपायर ने दोस्तों घोषणा करी यहाँ पर कर दी अलीम दर दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ पर जो कि ऑन फील्ड अंपायर है दोस्तों, उन्होंने टाइम आउट की घोषणा करते हुए दोस्तों अपना रुकेंगे दोस्तों हम भी 5 मिनट के टाइम आउट के साथ। मगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी बल्लेबाजी देखने को मिली है डमला की टीम के सामने।
और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि टाइम आउट के बाद यहाँ पर डिसिल्वा अगला ओवर लेकर तैयार है दोस्तों वनिश्का फर्नांडो के सामने। जिस तरह से वनिश्का फर्नांडो दोस्तों यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं, और चाहे दोस्तों अगर वनिश्का फर्नांडो हो चाहे वो सदीरा हो, दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों यहाँ पर सदी हुई बल्लेबाजी करी है। बिल्कुल दोस्तों बता दें कि विकेट वहाँ पर एक के दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि मारने वाली गेंद थी दोस्तों उनको मारा है, और दोस्तों उनको वहाँ पर सम्मान देने वाली गेंद थी उनको सम्मान करा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी को अंजाम दिया, बल्लेबाजी को अंजाम दिया। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अतिरिक्त दो रन आते हुए यहाँ पर वाइट बॉल के साथ देसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 61 पर विनय से नुकसान पर। लगातार दोस्तों जो रन है वो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि डिसिल्वा तैयार हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवीं बॉल लाने के लिए, देखा जाएगा किस तरह करेंगे। इसी के साथ में अगली बॉल, और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि कट करने की कोशिश पॉइंट के खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर गेंद को पकड़ेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों पहला विकेट हमें देखने को मिला है डिसिल्वा ने दोस्तों यहाँ पर विकेट निकाला है सदीरा का, बहुत बड़ा दोस्तों विकेट आया। और सदीरा दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे थे और काफ़ी अच्छा दोस्तों उनको स्टार्ट मिल चुका था सदीरा को, मगर वो अच्छे स्कोर में दोस्तों कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि सदीरा ने यहाँ पर सदीरा दोस्तों बता दें कि डिसिल्वा ने आखिरकार दोस्तों विकेट निकाल दिया है सदीरा का। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि 61 के पहले यहाँ पर पहले इस 61 के यहाँ पर स्कोर पर आपको देखने को मिलेगा पहला विकेट, और इसी विकेट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 61 पर। और यहाँ पर सदीरा ने दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने दोस्तों विकेट निकाल के देंगे, और देखना होगा दोस्तों कि नए बल्लेबाज दोस्तों किसके रूप में हमें देखने को मिलते हैं। मगर यहाँ से एक और साझेदारी देखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से दोनों बल्लेबाजों की अगर मैं गेंदबाज के बाद में यहाँ पर बातचीत जरूर हुई है सदीरा और डिसिल्वा के बीच दोस्तों यहाँ पर बातचीत हुई, तब यहाँ पर चौके मार रहे थे तो यहाँ पर सदीरा कुछ बोल रहे थे, उसके बाद यहाँ पर जो कि डिसिल्वा ने यहाँ पर आउट कर दिया है दोस्तों सदीरा यहाँ पर, क्योंकि डिसिल्वा वो सदीरा से कुछ बातचीत कर रहे थे। और उसी खंड में बता दें दोस्तों यहाँ पर लक्ष्य आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। अगर लक्ष्य की T20 करियर की अगर मैं बात करूँ तो T20 करियर में इन्होंने 33 मैचों में 466 रन बनाए हैं और 250 भी लगाई हैं। और इसी समय यहाँ पर लक्ष्य दोस्तों आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और इसी समय देखा जाएगा किस तरह करेंगे। इसी समय इस ओवर की आखिरी बॉल सामने दोस्तों बल्लेबाज है लक्ष्य, और यहाँ पर डिसिल्वा की कोशिश यही करेंगी कर सकते हैं कि यहाँ से एक और विकेट निकाल दिया जाए। अगर एक और विकेट यहाँ पर निकलता है दोस्तों तो यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दबाव का सामना एक बार फिर से डंबल अरोड़ा की टीम करेगी। अगर देखा जाएगा किस तरह करेंगे, इसी तरह दोस्तों बता दें कि हमारे साथ जुड़ते रहेगा, और अभी भी दोस्तों यहाँ जैसा नहीं कह सकते हैं। और इसी साल में यहाँ पर 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 8 ओवर के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 61, और जो यहाँ पर स्ट्राइक जो आ जाएगी वो स्ट्राइक आ जाएगी यहाँ पर वनिश्का फर्नांडो के पास। इसी साल में 21 बॉलों में यहाँ पर 28 रन बनाकर खेल रहे हैं वनिश्का फर्नांडो, 8 ओवर में टीम का स्कोर यहाँ पर 61 है, और यहाँ से 12 ओवर तेज बचे हैं। देखना होगा कि 12 ओवर में 72 गेंदें और कितने रन बना लिए जाते हैं। अगर डंबल की टीम की अगर बात करें दोस्तों, अगर 160-165 तक यहाँ पर पहुँच जाते हैं डंबल की टीम, 200 बी लव कैंडी के जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बता दें कि डंबल की टीम के पास बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी है दोस्तों विकेट निकाल करेंगे। इसी साल में स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 8 ओवर में दोस्तों टीम का स्कोर 61 है, और एक विकेट के नुकसान पर अब देखने का किस मत करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों नुआन प्रदीप वहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं नुआन प्रदीप। अब देखना होगा कि नुआन प्रदीप का जो वहाँ पर कल का दोस्तों दिन था वो इतना अच्छा नहीं रहा था। कल के दिन में इन्होंने यहाँ पर पहले ओवर में दोस्तों यहाँ पर जो कि पदम माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि नुआन प्रदीप के पहले ओवर में यहाँ पर क्योंकि नुआन फर्नांडो ने इनके ऊपर दोस्तों बता दें आप लोगों को कि 16 रन मारे थे। इसी के साथ में नुआन प्रदीप आ चुके हैं दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट से, और पहली बॉल को दोस्तों यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ खेला जाएगा। संभली हुई शुरुआत यहाँ पर कह सकते हैं वनिश्का फर्नांडो की ओवर के लिए। इसी के साथ में पहली बॉल डॉट हो जाएगी जब से दोस्तों यहाँ से विकेट गिरा है लगातार दोस्तों यहाँ पर जो कि धीमी गति की गेंदबाजी देखने को मिली। इसी समय नुआन प्रदीप अगली बॉल लेकर तैयार है सामने है दोस्तों यहाँ पर गेंदबाज से देखा जाएगा किस तरह करेंगे। इसी समय नुआन प्रदीप अगली बॉल लाने के तैयार हैं ओवर द विकेट से, और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि नुआन प्रदीप यहाँ से विकेट निकाल सकते हैं और रन भी प्रदान कर सकते हैं। इसी समय में अगली बॉल लेकर तैयार है ओवर द विकेट से दोस्तों बता दें कि ओवर द विकेट से गेंद दोस्तों गेंद को पटका, और दोस्तों बता दें कि गेंद ने उछाल नहीं ली, गेंद आई दोस्तों कमर की हाइट पर, और क्या बेहतरीन तरीके से फ्लिक करा है दोस्तों। बता दें कि जोर से मारने की कोशिश नहीं करी गई, सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल करा है। इसी कलाइयों का इस्तेमाल करने के साथ जड़ दिया है दोस्तों यहाँ पर दूसरा छक्का, दूसरे छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 67 पर। यहाँ पर एक विकेट के नुकसान पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जितनी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए उतनी यहाँ पर उतनी ही कम है। और इसी साल में दोस्तों एक बार फिर से नुआन प्रदीप पर अगली बॉल लाने के लिए तैयार हैं सामने करा जाएगा दोस्तों यहाँ पर फर्नांडो के द्वारा।
एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर नौहान प्रदीप ने उसी तरीके की गेंद करी है, और उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन छक्का, मतलब यहाँ पर कॉपी पेस्ट, बिल्कुल भाई लोगों आपको बता दें कि कॉपी पेस्ट करा गया है इस शॉट को। बता दें कि बिल्कुल सेम बॉल, बिल्कुल सेम शॉट, और बता दें कि सेम डिस्टेंस के साथ 60 मीटर का पहला छक्का, तो 60 मीटर का ये छक्का, और दो छक्के के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों मोमेंटम प्राप्त करते हुए ये टीम यहाँ पर डमला की टीम दोस्तों बता दें कि अभी डमला की टीम के साथ मनीष का फर्नांडो बहुत अच्छे तरीके से पाली खेलने हैं। 24 बोलों में दोस्तों 40 पर पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया। करंट रन रेट पर दोस्तों आप नज़र बना के रखिएगा, करंट रन रेट यहाँ से 8.42 का चल रहा है, और यहाँ पर जो टॉस था तो यहाँ पर वी लव कैंडी ने टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। नौहान प्रदीप ने शुरुआती 4 बोलों में दोस्तों 12 रन दे दिए थे। उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले ओवर में दोस्तों की कल के मैच में यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स के सामने भी यहाँ पर पहले ओवर में दोस्तों 12 रन दिए थे, मगर देखा जाएगा कि अभी भी यहाँ से 4 रन दूर है। देखा जाएगा कि अगली बॉल को किस तरह करते हैं, और कहीं ना कहीं नौहान प्रदीप दोस्तों थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। यहाँ पर नौहान प्रदीप लंबे लंबे करते हैं दोस्तों, दूर से भाग कर आते हैं, मगर यहाँ पर जो कि अगर मैं गति की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नौहान प्रदीप के पास दोस्तों उतनी गति नहीं है जितनी यहाँ पर होनी चाहिए थी एक यहाँ पर गेंदबाज के पास। इसी समय दोस्तों मतलब मीडियम फास्ट के तरीके से रखते हैं, इसी समय आकर यहाँ पर जो कि 5वीं बॉल पर लिया गया आसानी से एक सिंगल, इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 74 पर ये विकेट के नुकसान पर। नौहान प्रदीप अभी भी आखिरी बॉल लेकर तैयार हैं, सामने दोस्तों यहाँ पर लक्ष्यन आ चुके हैं तो करने के लिए दोस्तों बल्लेबाजी, और देखना होगा कि लक्ष्यन पिछले मैच में दोस्तों बहुत ही अच्छे लय में लग रहे थे, मगर देखना होगा कि दोस्तों किस तरह करेंगे। इसी समय अगली बॉल लेकर तैयार है नौहान प्रदीप, दोस्तों बता दें कि अगली बॉल इस ओवर की आखिरी बॉल है, लक्ष्यन सामना करेंगे। इसी समय अगली बॉल पर हल्के हाथों से लिया गया है स्कोर लेग की दिशा में एक रन, इसी एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा 9 ओवर की समाप्ति पर 75 रन ए विकेट के नुकसान पर। वनिश का फर्नांडो 26 बॉलों में 241 रन बनाकर खेल रहे हैं, और नौहान प्रदीप ने यहाँ पर कल के मुकाबले में जो रन दिए थे वो यहाँ पर रन दिए थे 16 रन, तो इस मुकाबले में जो रन दिए हैं तो वो रन दिए हैं दोस्तों बता रहे हैं आप लोगों के जो 14 रन, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महंगा ओवर देखने को मिला है। और इसी सर में दोस्तों बता दें कि जो एकमात्र विकेट गिरा है वो सदीरा का गिरा है, सदीरा का जो विकेट था दोस्तों वो भी गिरा था यहाँ पर 61 रन पर। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ओवर यहाँ पर नौहान प्रदीप लेकर आए, तो नौहान प्रदीप के यहाँ पर पहले ओवर में देखने को मिले 8 रन, इसी समय 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 75 पर। ये विकेट के नुकसान पर लक्ष्यन के पास स्ट्राइक रहेगी, और देखा जाएगा कि अगला ओवर यहाँ पर जो कप्तान बिंदु हरसंगा को लेकर आएंगे या फिर मुजीब और रहमान दोस्तों करा जाएगा। इसी समय आपको बता दें कि मुजीब और रहमान के 3 ओवर हो चुके हैं, एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि मुजीब और रहमान आए और दोस्तों लक्ष्यन के सामने करा जाएगा। इसी समय अगली बॉल लेकर तैयार है, सामना करा जाएगा। इसी स्थान में मुजीब और रहमान दोस्तों ओवर द विकेट से आए दोस्तों, बल्ले का अंदरूनी बाहरी किनारा लगा, गेंद गई दोस्तों स्लिप से होते हुए दोस्तों बता दें कि स्लिप से जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और एक और यहाँ पर बता दें दोस्तों यहाँ पर नज़ाकत वाला चौका देखने को मिला है दोस्तों। इसी चौके के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा 79 पर। कि बता दें कि दोस्तों बता दें कि इसमें मुजीब और रहमान की कोई भी गलती नहीं है दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट था, और इस शॉट को बता दें कि यहाँ पर थर्डमैन की दिशा में दोस्तों बता दें कि थर्डमैन जब अंदर था उसके बाद दोस्तों खेला गया। इसी समय टीम का स्कोर आपको बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर 79 पर विकेट के नुकसान पर, और बहुत बड़े तरीके से खेले। सिर्फ 4 बॉलों में दोस्तों 5 रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर लक्ष्यन, और इसी समय मनीष का फर्नांडो 26 बॉलों में 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी समय अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, सामना करा जाएगा फिर से मुजीब और रहमान, तीसरी बॉल लेकर ओवर द विकेट से तैयार है मनीष का फर्नांडो के लिए। और उसी समय लक्ष्यन ने तीसरी बॉल पर सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जब तक खिलाड़ी दोस्तों गेंद को फील्ड करेंगे। आसानी से एक रन ले लिया गया था, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से 16 पर, माफी चाहूँगा 80 पर ए विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली बॉल लेने के लिए तैयार है सामने बल्लेबाज है दोस्तों यहाँ से बता दें कि लक्ष्यन उसी समय अगली बॉल लेने के लिए तैयार है, सामने करा जाएगा मुजीब उर रहमान। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बातचीत चल रही है बिंदु हरसंगा के, इसी के साथ में दोस्तों अगली बॉल आपको बता दें दोस्तों मनीष का फर्नांडो ने दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो कि ओवर कवर मारने की कोशिश करी गई थी मुजीब उर रहमान के ऊपर से, और आपको बता दें दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों कैच हमें देखने को मिला है। और दोस्तों बता दें कि कप्तान बिंदु हरसंगा ने दोस्तों बहुत बड़े यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ा है, बिंदु हरसंगा बन गया था यहाँ पर सुपरमैन, और इसी सुपरमैन के साथ दोस्तों यहाँ पर कैच पकड़ा है। इसी तरह दोस्तों 80 रन पे गिरे का दूसरा विकेट, इसी विकेट के साथ यहाँ पर मनीष का फर्नांडो 27 बॉलों में दोस्तों 41 रन बनाकर जाएगी पवेलियन, और उसी पवेलियन के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करी है मुजीब उर रहमान ने। अपन मुजीब उर रहमान की अगर मैं बात करूँ तो मुजीब उर रहमान ने दोस्तों रन भी तो दिए हैं, मगर एक बहुत ही बेहतरीन मछली अपने जाल में फंसाई। इसी के साथ बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा 80 पर 2 विकेट के नुकसान पर। मुजीब उर रहमान के पास दोस्तों स्ट्राइक है, और देखना होगा किस तरह से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ से
एक बेहतरीन तरीके से साझेदारी लगनी चाहिए। मगर इसी क्रम में देखा जाएगा कि यहाँ पर चौथे नंबर पर कौन सा बल्लेबाज आ रहा है, यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आता है, क्या बेन डोमट दोस्तों पिछले मैच के यहाँ पर हीरो, क्या दोस्तों इस मैच में हमें देखने को मिलेंगे बेन डोमट, क्या हमें बल्लेबाजी करने को मिलेंगे। अगर बेन डोमट की अगर बात करूँ पिछले मैच का, अगर यहाँ पर स्कोर बोर्ड आपके सामने अगर लेकर आता हूँ तो पिछले मैच में दोस्तों वहाँ जो कि यहाँ पर डमला की टीम है कैसे बल्लेबाज थे यहाँ पर, जो कि दोस्तों बेन डोमट उन्होंने यहाँ पर 42 बॉलों में 100 रन की यहाँ पर शानदार पारी खेली थी। इसी के सामने आपको बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 80 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और T20 करियर में यहाँ पर 152 मैचों में भाग लिया है जिसमें से करीब 4000 के रन बनाए हैं दोस्तों उन्होंने। और उसी के सामने यहाँ पर इस ओवर की वहाँ पर लास्ट सेकंड लास्ट बॉल खेलने के लिए तैयार है मुजीबुर रहमान फील्डिंग में तब्दीली करते हुए बेन डोमट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाज है। और देखा जाएगा किस तरह से यहाँ पर मैच को आगे लेकर बढ़ते हैं। बेन डोमट तैयार है और पासिंग बॉल लेकिन लाने के लिए दोस्तों बता दें कि फील्डिंग में तब्दीली इसी के साथ मैं यहाँ पर निगाहें बेन डोमट की तैयार है। देखना होगा बेन डोमट की लय दोस्तों बता दें कि बेन डोमट की जो यहाँ पर जो कि बता दें आपको लोगों की पिछले मैच में जो यहाँ पर जो कि प्रदर्शन था वो बहुत ही यहाँ पर काबिलियत आ रही था, तो उस फॉर्म को इस मैच में हमें देखने को मिलेगा कि लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते हैं। और इसी तरह बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो चुका है 81 पर। पांचवीं बॉल पर दोस्तों आसानी से एक रन दिया था, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लक्षण के पास एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक आ चुके हैं। मुजीबुर रहमान अपनी आखिरी बॉल करेंगे, आखिरी बॉल लेकर तैयार है दोस्तों। बता दें कि आखिरी बॉल वहां पर बोल्ड कर दिया दोस्तों, कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करी गई थी लक्षण को जरा। और बता दें कि 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम को दोस्तों बता दें कि एक और झटका बैक टू बैक मुजीबुर रहमान यहाँ पर फाड़ के रख दिया दोस्तों लक्षण पर। अगर मैं बात करूँ इसी समय 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 10 ओवर में टीम का स्कोर हो चुका है 81 पर 3 विकेट का नुकसान पर। और यहाँ पर बहुत बढ़िया दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर गेंदबाजी करी है, यहाँ पर जितनी दोस्तों पर तारीफ करी जाए उतनी ही कम है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर करी है यहाँ ने। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 10 ओवर के बाद दोस्तों गिरा है यहाँ पर तीसरा विकेट 81 रन पर। और यहाँ पर आधी पारी समाप्त हो चुकी है डबला की टीम की। इसी समय 10 ओवर में 81 रन 3 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट 3 विकेट गिरे हैं। और देखना होगा किस तरह करें। इसी समय इसको हम स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और जुड़ते रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। और इसी समय में 10 ओवर हो चुके हैं, मुजीबुर रहमान ने अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। और इसी समय में बेन डोमट की अगर मैं बात करूं तो बेन डोमट ने पहली बॉल पर दोस्तों 1 रन दिया, इसी समय में टीम का स्कोर पहुंच चुका है यहां से। इसी के साथ में दूसरी बॉल लेकर बिंदु हसरंगा अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार हैं। और देखना होगा कि दूसरे ओवर को किस तरह खेलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो धनंजय डिसलवा दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। धनंजय डिसलवा दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि यहाँ पर दबाव है, दोनों बल्लेबाजों के ऊपर दबाव है, चाहे वो धनंजय डिसलवा हो चाहे दोस्तों बेन डोमट हो। क्योंकि बता दें कि यहाँ पर 2 विकेट एक ही ओवर में गिरे हैं, पहले दोस्तों क्योंकि बनेश का फर्नांडो तो उसके बाद यहाँ पर जो विकेट गिरा था वो विकेट गिरा था आपको बता दें कि यहाँ पर लक्षण जैन का। और इसी कारण दोस्तों बता दें कि आगे की बॉल को पीछे खेलने की कोशिश करी गई थी लक्षण की तरह, जिसके कारण दोस्तों विकेट हमें देखने को मिले। इसी कारण में बिंदु हसरंग अपना दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर धनंजय डिसलवा देखेंगे कि यहाँ पर चौथी बॉल को किस तरह से खेलेंगे। चौथी बॉल लेकर बिंदु हसरंग तैयार है डिसलवा के सामने। डिसलवा ने चौथी बॉल को दोस्तों फ्लैटेड गेंद का समझ कर कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेला है दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से, आसानी से दोस्तों एक रन देखने को मिलेगा। इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से 83 पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस मैच अब तक दोस्तों बता दें कि यहाँ से 4 बॉले हो चुके हैं, 4 बॉले में टीम का स्कोर जो बना है वो बना है 283 पर। अब तक दोस्तों यहाँ से क्योंकि 4 बॉल में दोस्तों मात्र 2 रन प्राप्त हुए, 3 रन माफी चाहूँगा दोस्तों 2 रन प्राप्त हुए। इसी समय आपको बता देता हूँ कि पांचवीं बॉल लेकर फिर से तैयार है बिंदु हसरंगा ओवर कवर लाने के लिए। ओवर कवर दोस्तों आसानी से एक रन देखने को मिलेगा इसी और 1 रन के साथ। और अभी भी यहाँ से एक गेंद बची है बिंदु हसरंगा धनंजय डिसलवा के लिए।
देखना होगा कि धर्मेंद्र डिसिल्वा किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करते नजर आएंगे। इस सिस्टम में आखिरी बॉल पर एक और सिंगल, इसी सिंगल के साथ यहाँ पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुँचा दिया है 285 पर 3 विकेट के नुकसान पर। बैन डॉमट चार बोलों में 203 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर डिसिल्वा की अगर मैं बात करूँ तो डिसिल्वा भी 3 बोलों में 202 रन बनाकर खेल रहे हैं। और यहाँ पर दमला की टीम अगर स्कोर बोर्ड का यहाँ पर हाल देखा जाए तो स्कोर बोर्ड में आपको वनिष्का फर्नांडो 27 बोल में 40 रन बनाकर आपको खेलते हुए दिखेंगे। उसी एक टाइम में अगर मैं सदीरा की अगर मैं बात करूँ तो सदीरा 26 बोल में 31 रन बनाकर दिखेंगे। अगर लक्ष्य जैन की अगर मैं बात करूँ तो लक्ष्य जैन यहाँ पर 6 बोल में 6 रन बनाकर आउट हो चुके थे। और अगर साझेदारी तारीख की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 4th नंबर और 5वें नंबर पर के बल्लेबाज क्रीज पर जमे हैं, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि उन दोनों की वजह से दोस्तों एक अच्छी पार्टनरशिप लगे और अच्छी पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर जो डमला की टीम है दोस्तों एक अच्छे टारगेट की तरफ बढ़े। इसी समय बिंदु होशंगा ने 2 ओवर में यहाँ पर 8 रन दिए। एक बार फिर से दोस्तों देखा जाएगा कि इस रन करेंगे। तीसरा ओवर लेकर आ चुके हैं यहाँ पर डिसिल्वा, और डिसिल्वा ने दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी को जारी रखेंगे। अभी तक यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी 2 विकेट गिरे हैं उसके बाद यहाँ पर लगातार दोस्तों डॉट गेंदों का यहाँ पर जो कि हमें देखने को मिला। इसी समय अगली बॉल लेकर तैयार है सामना फिर से करा जाएगा डिसिल्वा के द्वारा ओवर कवर लाने के लिए। डाउन द विकेट से दोस्तों पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला है दोस्तों, गेंद को यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में रन लेने का कोई भी मौका नहीं। इस रन में 2 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदों में 2 रन प्राप्त होने चाहिए, वो नए रन नहीं प्राप्त हुए। इस रन में डिसिल्वा यहाँ पर तीसरी बॉल लेकर फिर से तैयार है डिसिल्वा के सामने दोस्तों डिसिल्वा, और एक तरफ दोस्तों धनंजय डिसिल्वा एक तरफ यहाँ पर चंदन डिसिल्वा। इस रन में तीसरी बॉल एक बार राउंड द विकेट से गेंद लाने के लिए तैयार हैं। राउंड द विकेट से दोस्तों बता दें कि तीसरी बॉल को यहाँ पर गुड लेंथ पे गेंद करा गया है दोस्तों, बता दें कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया दोस्तों लॉन्ग ऑन की तरफ से 1 रन के लिए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 86 पर 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर चौथी बॉल एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लक्ष्य जैन की यहाँ पर एक तो यही तो खास है दोस्तों कि अपना ओवर बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों फटाफट आते हैं और फटाफट खत्म करके चले जाते हैं। इस रन में बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 86 पर 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से एक गेंद शेष बची है। बैन डॉमट 6 बॉलों में 203 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं डिसिल्वा भी 6 बॉलों में 203 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 2-2 वहाँ पर ओवर खेल लिया। इसी साथ में इस ओवर की आखिरी बॉल, इस बॉल को आखिरी बॉल के साथ बता दें कि मैं देखने को मिला है दोस्तों यहाँ से 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 12 ओवर में टीम का स्कोर पहुँचा है 87 पर 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर बैन डॉमट 7 बॉलों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं डिसिल्वा की अगर मैं बात करूँ तो डिसिल्वा भी यहाँ पर 6 बॉलों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये पिच है वो यहाँ से जो पिच अपना रंग है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिच की अगर मैं बात करूँ तो मैंने शुरुआत में ही पिच के बारे में बता दिया कि दोस्तों जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पिच और ज़्यादा स्लो होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि दोस्तों ये स्लो होती नजर आ रही है कि पहली पारी यहाँ से पहली पारी के दोस्तों बता दें कि 10 यहाँ पर आधी पारी समाप्त हो चुकी है, मतलब 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों बता दें कि 2 ओवर और खेल, यहाँ पर 2 ओवर का और खेल हो चुका है, मतलब यहाँ से 12 ओवर का खेल हो चुका है। लास्ट के 8 ओवर बचे हैं, 48 गेंदें यहाँ पर बची हैं। और लास्ट के 48 गेंदों में दोस्तों बता दें कि जब तक यहाँ से होंगी डमला की टीम दोस्तों यहाँ पर 48 बॉलों का सामना करेगी तब तक ये पिच और यहाँ पर हल्की होती जाएगी और वी लव कैंडी के सामने कहीं ना कहीं दोस्तों ये खतरे की घंटी हो सकती है। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि बैन डॉमट अपने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सामना करेंगे यीशु उदाना का, और देखना होगा कि यीशु उदाना अपना दूसरा ओवर लेकर बढ़ते हुए दोस्तों बैन डॉमट के सामने, और देखना होगा कि बैन डॉमट यीशु उदाना को दोस्तों काफ़ी बार यहाँ पर फेस कर सकते हैं। इसी के समय यहाँ पर अगली बॉल लाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर जो कि 20 ओवर की पहली बॉल यीशु उदाना ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद दोस्तों यहाँ पर जड़ दिया है, यहाँ पर बेहतरीन फुल शॉट गेंद आ रही है दोस्तों बाउंड्री लाइन की तरफ, और सिक्स रन दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन चौका प्राप्त हुआ। इसी बेहतरीन चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 91 पर 3 विकेट के नुकसान पर। इसी चौके के साथ यहाँ पर आ चुका है दोस्तों 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ से मौका है, यहाँ पर वापस मौका है दोस्तों बैन डॉमट के पास, धनंजय डिसिल्वा के पास दोस्तों यहाँ पर इस टारगेट को यहाँ पर और नजदीक लेके जाने के। इसी के साथ यहाँ पर जो कि अगली बॉल वाइड बॉल हो जाएगी, इसी वाइड बॉल के साथ यहाँ पर एक और अतिरिक्त रन आता हुआ और स्कोर बोर्ड में तब्दीली हो जाएगी, मगर यहाँ पर वाइड बॉल है अंपायर ने दोस्तों वाइड बॉल का यहाँ पर इशारा कर दिया है। पहली बॉल पर चौका प्राप्त हुआ, उसके बाद दोस्तों अगली बॉल में वाइड बॉल देखने को मिली, मतलब पहली ही बॉल पर यहाँ पर जो आ चुके हैं रन वो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों 5 रन आ चुके हैं यहाँ पर शुरुआती 2 बॉल में, यहाँ पर 1 बॉल में। तो इसी के साथ में यहाँ पर 5 रन के साथ टीम का जो स्कोर पहुँच चुका है वो पहुँच चुका है 52 पर। इसी के साथ में देखा जाएगा कि अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, सामना फिर से करा जाएगा बैन डॉमट की तरह, और बैन डॉमट ने पिछले मैच में दोस्तों बहुत ही यहाँ पर सॉलिड बल्लेबाजी करी है, तो कहीं ना कहीं हम देखना होगा कि इस मैच में अगर वो सेट हो गए, अगर उन्होंने दोस्तों 15 बॉलों का सामना कर लिया तो वे एक अच्छी पारी दोस्तों खेल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर बेहतरीन गेंद बल्लेबाज हैं दोस्तों, वो जानते हैं बिग बैश लीग खेलते हैं। तो यहाँ पर जो कि सिडनी सिक्सर के लिए यहाँ पर खेल रहे थे पहले, आप दोस्तों मेलबर्न स्टार के लिए खेलते हैं, यहाँ पर जो कि मैक्सवेल की पारी टीम है
तो इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर डम्बल और रात टीम 293 रन पर पहुँच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से 200 स्ट्राइक आ चुके हैं धनंजय डिसल्वा के पास। धनंजय डिसल्वा 6 बॉलों में 3 रन बनाकर चल रहे हैं। 2 बॉलें हुई हैं, 2 बॉलों में यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 6 रन आ चुके हैं। अगर धनंजय डिसल्वा के अगर स्लॉट में गेंद पड़ती है तो धनंजय डिसल्वा 200 बल्ला घुमा सकते हैं। इसी के साथ में इसे उड़ाना ओवर द विकेट से लेकर तैयार हैं दोस्तों धनंजय डिसल्वा के लिए। कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि धनंजय डिसल्वा इसे उड़ाना के सामने यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आएंगे। तो बता दें कि यहाँ पर इसे उड़ाना ने अगर मैं हेड टू हेड की अगर कंपेरिजन की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में यहाँ पर इसे उड़ाना ने धनंजय डिसल्वा को 207 बार यहाँ पर सामना हुआ है। यहाँ पर ओवर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर क्योंकि श्रीलंका प्रीमियर लीग में दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग में तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि 7 मैचों में 204 बार आउट करा है यहाँ पर यीशु उडाना ने धनंजय डिसल्वा को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो पड़ा है वो यहाँ पर यीशु उडाना का भारी है। तो इसी के साथ में यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 94 पर 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी शेष टीम गेंद बची हैं। बेन डोमट 9 बॉलों में दोस्तों 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी के साथ में 4th बॉल फिर से लाने के तैयार है। जब फील्डिंग में तब्दीली होती नजर आ रही है दोस्तों मैच से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए। इसी के साथ में यहाँ पर यीशु उडाना लगातार दोस्तों बता दें कि पहली बॉल पर चौका खाने के बाद दोस्तों लगातार वापसी करते नजर आ रहे हैं। इसी वापसी के साथ यहाँ पर बता दें कि पहली बॉल पर दोस्तों बता दें कि पहली बॉल पर चौका खाया उसके बाद यहाँ पर वाइड दी उसके बाद दोस्तों लगातार यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी हमें होती हुई दिख रही है। इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है 95 पर 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से 2 गेंद शेष बची हैं। अगर बेन डोमट या धनंजय डिसल्वा अगर यहाँ पर 2 गेंदों में दोस्तों एक बड़े शॉट अगर शॉट लगा देते हैं तो हम चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है और सामने है दोस्तों धनंजय डिसल्वा इसे उड़ाना ओवर द विकेट से तैयार है। दोस्तों ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद धनंजय डिसल्वा ने यहाँ पर ऊंचाई का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों हवा गेंद को दोस्तों हवा में मार दिया है। मगर बता रहे दोस्तों यहाँ पर खुद किस्मत रहे दोस्तों वहाँ पर बहुत ही अच्छी किस्मत रही धनंजय डिसल्वा की। ये दोस्तों बता दें कि दोनों फील्डर को बीच में गिरी दोस्तों वहाँ पर 9 मैच लैंड में गिरी जिसके कारण दोस्तों बता दें कि हवा ऊँची तो काफ़ी गई थी मगर जब तक दोस्तों लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी यहाँ पर जो कि स्क्वाड लेग का खिलाड़ी भाग कर गेंद को नीचे आ पाता तब तक दोस्तों गेंद जमीन पर गिर गई थी और जब तक दोस्तों गेंद को फील्ड करा गया तब तक आसानी से दोस्तों 2 रन ले लिए गए थे। 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 97 पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक दोस्तों बता दें कि इस ओवर में यहाँ पर जो कि काफ़ी रन देखने को मिल चुके हैं। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है। अगली बॉल पर 13वीं जो कि आखिरी बॉल थी इसे उड़ाना की दूसरे ओवर की इसी आखिरी गेंद के साथ बता दें कि 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 13 ओवर में टीम का स्कोर यहाँ पर 98 पर 3 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन दोस्तों बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है दोस्तों यहाँ पर बेन डोमट और धनंजय डिसल्वा के सामने। और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि अब समय आ चुका है 42 बॉलों का जो कि अब यहाँ से खेल बचा है। अगर 42 बॉल दोस्तों अगर यहाँ से अगर बल्लेबाज अच्छी तरीके से अगर यहाँ पर खेल ले तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 42 बॉलों में 70 रन बन सकते हैं यहाँ से जो यहाँ पर कैंडी बिल अब कैंडी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो कि थोड़ी सी दोस्तों सोचने पर यहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं। इसी करंट अगर मैं करंट रन रेट दोस्तों 7.54 का चल रहा है अगर करंट रन रेट के हिसाब से अगर मैं मान चलूँ तो दोस्तों जो 150 रन बनेंगे। अगर यहाँ पर 9 के करंट रन रेट से दोस्तों रन बनाए जाते हैं तो 9 के करंट रन रेट से दोस्तों यहाँ पर 161 रन देखने को मिलेंगे। और इसी समय अगर मैं बात करूँ दोस्तों 11 के करंट रन रेट से तो दोस्तों 175 रन हमें देखने को मिलेंगे। मगर देखा जाएगा किस रन करेंगे। इसी समय यहाँ पर डिसल्वा यहाँ पर अपना 4th ओवर लेकर आते हुए 4th ओवर की दोस्तों शुरुआत हुई है चौके यहाँ पर जो कि वाइट के साथ। इसी वाइट के साथ यहाँ पर एक और अतिरिक्त रन आता हुआ इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 99 पर 3 विकेट के नुकसान पर। 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 ओवर की समाप्ति तो देखना अगर कैसा करेंगे। इसी समय यहाँ पर रुकी जो कि यहाँ से अब तक 241 बॉलों का खेल बचा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कि बेन डोमट को धनंजय डिसल्वा को तेज गति से रन बनाने होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कि समय आ चुका है भाई बिल्कुल यहाँ पर समय आ चुका है तेज गति के साथ रन बनाने के लिए। इसी स्तर में बता दें कि 10 ओवर हो चुके हैं। 10 ओवर में टीम का स्कोर यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पर। बेन डोमट के पार एक बार फिर से 2 स्ट्राइक आ चुकी है और बेन डोमट धनंजय डिसल्वा के सामने दोस्तों बड़ी शॉट लगा सकते हैं। यहाँ पर उनके दोस्तों कलाई में जान जरूर है। इसी स्तर में यहाँ पर इस ओवर की दूसरी बॉल लेकर तैयार हैं। सामने है दोस्तों बल्लेबाज यहाँ पर बेन डोमट देखना पड़ेगा। इसी स्तर में अगली बॉल लेकर तैयार है। सामने दोस्तों यहाँ पर बेन डोमट ओवर जाके एक स्लिप लगा दी। इसी तरह में गेंद क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को कट करने की कोशिश बल्ले गेंद का संपर्क नहीं। यहाँ पर मोहम्मद आरिश ने गेंद को फील्ड करा। इसी तरह में बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 100 पर हो चुका है टीम का। इसी तरह में 100 रन पूरे हो जाएंगे यहाँ पर डम्बल और रुआ के। और आपको बता दें कि लगातार अब जब से विकेट गिरा है दोस्तों बता दें कि सिंगल के साथ ही कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें दोस्तों विकेट है जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी क्षण में अगर स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो स्कोर तो अभी डिफरेंट तरीके से चल रहा है और यहाँ से ज़्यादा गेंद बची नहीं है इस मैच में दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज
जो क्रीज पर अभी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर तेज गति से रन बनाने की यहाँ पर जो यहाँ पर नौबत है दोस्तों वो आ चुकी है। तो हम दोनों बल्लेबाजों को दोस्तों बताएं, हम यहाँ से साथ साथ गेंदें दोनों बल्लेबाज खेल चुके हैं, तो निगाहें हैं वो बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों की दोस्तों गेंद पर, और पिच कैसी हरकत कर रही है, कैसी टर्न है दोस्तों, कैसी यहाँ पर उछाल है इस गेंद पर। तो दोनों बल्लेबाज दोस्तों भाप चुके हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को तेज गति से रन बनाने होंगे, मगर एक ही तरफ से दोस्तों बनाने होंगे। कुछ बता दें कि यहाँ पर दोनों में से एक बल्लेबाजों को, अगर जिस तरह से बात करें कि यहाँ पर बेन डोमर्ट और यहाँ पर जनरल डिसिल्वा दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, अगर दोनों में से दोस्तों अगर कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर एक छोर से अगर यहाँ पर बल्ला चलाता रहे और दूसरे छोर से दोस्तों यहाँ पर मैच को अगर अंत तक लेकर आए, अगर विकेट भी गिरता है तो एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर बना रहेगा। तो इसी के साथ में देखना होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, मगर अभी तो बल्लेबाजी दोस्तों यहाँ पर बल्ला को रोक कर की जा रही है अब बहुत ही देर कर। और मैंने दोस्तों बता दें कि जब मैंने पिच रिपोर्ट की बात करी तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इस पिच रिपोर्ट पे दोस्तों यहाँ पर तेज गेंदबाजों का बोल बाला रहता है, और जैसे जैसे यहाँ पर खेल आगे के लिए बढ़ता है वैसे वैसे ये पिच यहाँ पर स्लो हो जाती है, और इस स्लो पिच पर दोस्तों यहाँ पर बैटिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर शुरुआती दोस्तों यहाँ पर 6 ओवर की बात करें, अगर इस पिच पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर प्रेमचंदा स्टेडियम कोलंबो में दोस्तों ये मुकाबला हो रहा है, यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग का ये यहाँ पर 19वां मुकाबला है। अगर दोस्तों अगर शुरुआती के 5 मुकाबले देखे जाएँ दोस्तों, कल के दोस्तों 2 यहाँ पर 2 मुकाबले, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कल के 2 मुकाबले, आज के दोस्तों 1 मुकाबला, अगर देखा जाए कि दोस्तों जिस ने पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करी है तो शुरुआती 6 बोलों में दोस्तों ये पिच यहाँ पर बहुत ही बेहतर रही है, और यहाँ पर गेंद भी दोस्तों तेज निकलती है और पढ़ के दोस्तों स्किड भी नहीं करती है, और यहाँ पर जो कि बल्लेबाज के पास दोस्तों तेज गति से आती है। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पर क्योंकि पिच की, तो पिच दोस्तों बता दें कि शुरुआती 6 ओवर में दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी को अनुकूल रहती है और तेज गति से बल्ले पर आती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर जो कि पसंदीदा ये पिच है दोस्तों ग्राउंड है, मगर वहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जैसे जैसे खेल बढ़ता रहता है आगे वैसे वैसे दोस्तों ये पिच यहाँ पर शुरू होती जाती है। क्योंकि बता दें कि 6 ओवर में 36 गेंदें, उसके बाद यहाँ पर 84 बोलों का खेल बचा रहता है और फील्ड भी खुल जाती है, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ से बल्लेबाजी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से करी जाए। और दोस्तों नौबत आ चुकी है दोस्तों हाथ खोलने का, अब इसके अलावा दोस्तों कोई भी यहाँ पर मौका नहीं है दोनों बल्लेबाजों की। अगर दोनों बल्लेबाज दोस्तों इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे, अगर यहाँ से आउट भी हो गए तो दोस्तों जो गेंद है उनको भी ख़राब करेंगे, और यहाँ पर जो रन रेट है दोस्तों जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनके ऊपर दबाव बनाकर छोड़ के जाते हुए देखेंगे। और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो स्कोर यहाँ से हो चुका है दोस्तों, स्कोर हो चुका है दोस्तों 104 पर 3 विकेट के नुकसान पर, 14 ओवर दोस्तों समाप्त हो चुके हैं, 15वां ओवर फेंका जा रहा है अभी है दोस्तों यहाँ पर। और आपको बता दें कि जब से दोस्तों अमर मुजीब और रहमान ने 2 विकेट निकाले हैं ये भी वो एक ही ओवर में, पहले दोस्तों अमर वनिश का फर्नांडो का, और फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ से जो कि लक्षण जैन का जो विकेट निकाले हैं दोस्तों बैक टू बैक 2 विकेट निकाले हैं, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर देखिए मारे क्योंकि बता दें कि अमर दिक्कत का सामना कर रही है दोस्तों डमला की टीम बिल्कुल दोस्तों बता दें कि स्ट्रगल करते नजर आ रही है, एक एक रन के लिए दोस्तों संतुष्ट का नजर आए। और इसी के साथ में आपको बता दें कि टीम का इसको दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर शुरुआती 6 बोलों में क्या बेहतरीन दोस्तों बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी दोस्तों यहाँ अगर यहाँ पर डम्बल के ओपनर्स के द्वारा, और उसी तरीके से अगर हम दोस्तों बता दें कि पावर प्ले समाप्त हुआ तो उसके यहाँ पर जो रंग है वो यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों डम्बल के बल्लेबाजों की, बिल्कुल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हवा भरी दोस्तों, उसका हवा को यहाँ पर जो कि फोड़ दिया गया है, तो जैसे दोस्तों फील्ड खुली और फील्ड के साथ यहाँ पर पिच दोस्तों स्ट्रगल करते हुए नजर आई। इसी के साथ में देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से दोस्तों मैच को बचाया जाता है इंडिया के लिए। और आप अगर मैं बात करूँ दोस्तों वेस्ट इंडीज और इंडिया का, अगर दोस्तों मैं बात करूँ इंडिया वेस्ट इंडीज के कल के मैच की दोस्तों, कल के मैच में इंडिया यहाँ पर जो इंडिया ने दोस्तों बता दें कि टीम अभी वेस्ट इंडीज़ से हार का सामना करना पड़ा, और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि 6 साल बाद यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने यहाँ पर इंडिया वेस्ट इंडिया के खिलाफ इतिहास रचा है। क्योंकि 6 साल के बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने उनके अपने घर में दोस्तों कोई भी सीरीज़ नहीं जीती है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो कि टी ट्वेंटी वनडे भारत के खिलाफ चाहे वो टेस्ट कोई भी सीरीज़ नहीं जीती है 6 साल से, और उसके बाद दोस्तों बता दें कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर हार्दिक पांड्या की वजह से टूट जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि शुरुआती 5 मैचों की श्रृंखला थी इंडिया वेस्ट इंडीज़ की, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच की अगर मैं वनडे सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, टी20 सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो कि 5 मैचों की श्रृंखला थी तो 5 मैचों में दोस्तों 2 विकेट यहाँ पर निकाल के दिए थे दोस्तों,
यहाँ से वेस्ट इंडीज की टीम ने और उसके बाद दो जीत भी दर्ज करी थी। उसके बाद लास्ट की दोस्तों तीन गेंदें भी यहाँ से आपको बता देता हूँ कि लास्ट की तो तीन मैच यहाँ पर बचे थे, तो उसमें दो दो मैच यहाँ पर भारतीय टीम जीती है, एक मैच दोस्तों यहाँ पर जीती है वो श्रीलंका की टीम, यहाँ पर माफी चाहूँगा दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम जीती है। और उसी तरीके से अगर दोनों आप वापस आते हैं दोस्तों अपने मैच मैन मैच पर और श्रीलंका प्रीमियर लीग का दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुकाबला यहाँ पर चल रहा है कि जो भी टीम दोस्तों यहाँ से मैच को हारेगी वो दोस्तों चली जाएगी यहाँ पर, अगर बताते दोस्तों वो चली जाएगी यहाँ पर अपने घर। और देखना होगा कि दोस्तों यहाँ पर दो के वी लव कैंडी की टीम है वो चाहेंगी दोस्तों कि जाफना किंग्स इस मैच को दोस्तों प्रॉपरली यहाँ पर बाहर हो जाए, मगर देखना होगा किस तरह करेंगे। और आपको बता दें कि दोस्तों एलविश यादव और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि नुआन प्रदीप ने यहाँ पर विकेट निकाल दिया है दोस्तों, यहाँ पर चौथा विकेट हमें देखने को मिला है, चौथे विकेट के साथ यहाँ पर नुआन प्रदीप ने बहुत ही बड़ा दोस्तों विकेट निकाला है धनंजय डिसूजा का, क्योंकि आपको बता दें कि धनंजय डिसूजा 16 बॉलों का सामना कर चुके थे, 16 बॉलों का सामना मतलब 3 ओवर का सामना कर चुके थे और जो 3 ओवर में उन्होंने रन बनाए थे वो सिर्फ रन बनाए थे यहाँ पर जो कि 10 रन बनाए थे। तो कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर धनंजय डिसूजा यहाँ पर जो कि पिच यहाँ पर गेंदबाजी दोस्तों जो गेंद है वो रुक कर आ रही थी बल्ले पर, और दोस्तों बता दें कि अगली बॉल को यहाँ पर बड़े शॉट मारने की कोशिश भी करी थी मगर यहाँ पर बल्ले गेंद का संपर्क नहीं यहाँ पर प्राप्त हुआ और जिसके कारण हमें विकेट हमें देखने को मिली थी। विकेट के चलते दोस्तों यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा 104 पर 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा कि दोस्तों नेक्स्ट बल्लेबाज यहाँ पर एलेक्स रोज आते हैं फिर नुआन फर्नांडो दोस्तों हमें बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। इसी समय बता दें कि एलेक्स रोज एक बार दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर जो कि पिछले मैच के दोनों सुपर स्टार यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर एलेक्स रोज ने भी पिछले मैच में दोस्तों यहाँ पर अच्छी यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी करी थी दोस्तों, इस मैच में भी दोस्तों उनको यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करना होगा। उसी के समय दोस्तों चार बोले हो चुके हैं दोस्तों अभी तक यहाँ पर चार बोलों में से एक भी रन नहीं यहाँ पर देखने को मिला है। और उसी के समय दोस्तों मैं बात करूँ क्या बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों यहाँ पर धनंजय डिसूजा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी गई थी मगर ये गेंद नीचे रही और दोस्तों बल्ले गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, यू मिस हाई हिट के साथ नुआन फर्नांडो ने धनंजय डिसूजा को दोस्तों आउट कर दिया। और सिक्स में नुआन यहाँ पर दोस्तों अपना विकेट निकालने के लिए सिक्स में दोस्तों देखा जाएगा कि अगली बॉल को किस तरह करेंगे और इसी के साथ पाँचवीं बॉल लेकर तैयार है नुआन फर्नांडो सामना करने जाएगा एलेक्स रोज के द्वारा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इन स्विंग गेंद के साथ दोस्तों एलेक्स रोज का यहाँ पर जो कि खाता बंद कर देंगे दोस्तों यहाँ से। और सिक्स में नुआन फर्नांडो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दोस्तों गेंदबाजी कर रही है और आपको बता दें दोस्तों पाँच यहाँ पर एक ही ओवर में दोस्तों दो विकेट निकाले थे यहाँ पर मुजीबुर रहमान ने, उसके बाद यहाँ पर नुआन प्रदीप ने दोस्तों ये काम करके दिखाया इस मैच में। और एलेक्स रोज यहाँ पर गेंद को समझ नहीं पाए और दोस्तों बता दें कि गेंद पढ़कर सेम से दोस्तों अंदर के लिए आए और सिक्स में आपको बता दें कि यहाँ पर जो विकेट देखने को मिला है ये पाँचवा विकेट और कहीं ना कहीं दोस्तों बेन डॉमर्ट यहाँ पर मात्र अकेले दोस्तों ऐसे बल्लेबाज तो चाहिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो टीम की नहीं आपको यहाँ पर जो कि 160 के करीब ले जा सकते हैं। और इसी के समय आपको बता दें कि टीम का स्कोर 104 पर 5 विकेट के नुकसान पर लगातार दोस्तों दो गेम विकेट हमें देखने को मिले हैं एक ओवर में। तो इसी साल में वी लव कैंडी के बल्लेबाज जो गेंदबाज हैं दोस्तों यहाँ पर डमला के बल्लेबाजों के ऊपर धीरे धीरे शिकंजा कस रहे हैं, मगर आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि 6 ओवर में टीम का स्कोर दोस्तों 61 रन था, उसके बाद यहाँ पर जो थी कि यहाँ पर 9 ओवर होने जा रहे हैं तो 9 ओवर में जो रन बने वो सिर्फ और सिर्फ 40 रन बने हैं और फिर चाहूँगा दोस्तों 45 रन बने हैं यहाँ से 9 ओवर में। और यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर 4 विकेट भी गंवा दिए हैं, तो हम चाहेंगे दोस्तों कि डमला की टीम यहाँ पर बिल्कुल जो बैटिंग है वो कॉलैप्स होते नज़र आ रही है। उसी के समय आपको बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं एक और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग यहाँ पर गेंद बल्लेबाज दोस्तों हेडन कैर दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। हेडन कैर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर बॉलिंग ऑलराउंडर है मगर देखा जाएगा किस रन करेंगे। इसी समय स्कोर की अगर मैं बात करूँ स्कोर रूज का है दोस्तों 105 पर यहाँ पर जो कि 5 विकेट 104 पर 5 विकेट के नुकसान पर इसी में आखिरी बॉल लेकर तैयार है आखिरी बॉल को दोस्तों डॉट गन। और उसी समय दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 15वां ओवर विकेट मैडन ओवर क्या बेहतरीन ओवर करा है दोस्तों यहाँ पर नुआन प्रदीप ने बहुत ही बेहतरीन ओवर करा है। पहले ओवर में दोस्तों 14 रन, उसके बाद यहाँ पर जो कि दूसरा ओवर लेकर आया दूसरे ओवर में दोस्तों बता दें आप लोगों को कि यहाँ से 2 विकेट निकाल दिए के ओवर में और यहाँ पर विकेट मैडन देखने को मिला है दोस्तों। इसी विकेट मैडन के साथ टीम का स्कोर यहाँ से पहुँच जाएगा आपको बता दें टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 104 पर। अब लास्ट के 30 गेंद बची हैं, देखा जाएगा कि लास्ट के 30 गेंदों में यहाँ पर कितने रन और बनाए जा सकते हैं दोस्तों। इसी समय इस टीम को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को दोस्तों यहाँ पर शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास और कमेंट में दोस्तों अपने सवाल को भेजते रहिएगा।
इसी के साथ दोस्तों बता दें कि नए बल्लेबाज दोस्तों आज के हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हेडन केयर आए हैं, हेडन केयर यहाँ से बल्लेबाजी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर बल्लेबाजी कर नहीं सकते हैं, कि हेडन केयर के पास वो क्षमता है दोस्तों, वो यहाँ पर काबिलियत है। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि अगला ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर बिंदु हसरंगा, बिंदु हसरंगा दोस्तों अगला ओवर लेकर आए हैं। और देखना होगा कि पहली बॉल पर बेन डोमट ने यहाँ पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सिंगल ले लिया। इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 105 पर 5 विकेट के नुकसान पर। हेडन केयर अपनी दोस्तों दूसरी बॉल खेलने के लिए तैयार है बिंदु हसरंगा के द्वारा। अब देखा जाएगा कि बिंदु हसरंगा दोस्तों किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर हेडन केयर के लिए। इसी स्थान में यहाँ पर रोके फ्लाइटेड बॉल गेंद करिए बिंदु हसरंगा ने ओवर द विकेट कदमों का इस्तेमाल करते हुए हेडन केयर ने यहाँ पर लॉग ऑन के ऊपर से यहाँ पर चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 109 पर 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया, काफ़ी चाहूँगा दोस्तों बता दो कि बहुत बढ़िया यहाँ पर चौका देखने को मिला है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि जो टी शर्ट के सर्कल में दोस्तों खिलाड़ी था और बता दें दोस्तों उसके ऊपर से गेंद को मारा, इसी समय यहाँ पर चौका प्राप्त हुआ जो कि दूसरी ही बॉल पर इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा 109 पर 5 विकेट के नुकसान पर। हेडन केयर अपने बल्लेबाजी का दोस्तों जो परचम है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। पांच की तीसरी बॉल दोस्तों डॉट हो जाएगी, इसी डॉट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 109 पर 5 विकेट के नुकसान पर। देखने का किस तरह पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसी समय अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर बिंदु हसरंगा ओवर द विकेट से एक बार दोस्तों बता दें कि बिंदु हसरंगा ने एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर गलती करते हुए दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से फुल लेंथ गेंद, फुल लेंथ को दोस्तों बता दें कि बहुत ही ताकत से मारा गया था दोस्तों हेडन केयर के द्वारा। और हेडन केयर दोस्तों बता दें कि इस ओवर में यहाँ पर बेहतरीन चौका, इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा, इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 113 पर 5 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर नौ रन आ चुके हैं भाई, 9 रन आ चुके हैं और लास्ट की दो बॉलें बची हैं, लास्ट की दो बॉलें। और आपको बता रहे दोस्तों यहाँ से बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी समय दोस्तों अगली बॉल पर ओवर थ्रू का एक रन ले लिया गया था, इसी एक रन के साथ दोस्तों बता दें कि एक रन और यहाँ पर जो कि खिलाड़ी दोस्तों पहुँच चुके थे क्रीज पर, उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर जो कि ओवर थ्रो करा गया, मगर यहाँ पर विकेट कीपर हैं दोस्तों मोहम्मद हारिस का यहाँ पर पाकिस्तान के, वो दोस्तों यहाँ पर गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे। इसी समय आपको बता दें कि यहाँ पर एक रन देखने को मिला, इसी समय अगली बॉल लेकर तैयार हैं, सामना करा जाएगा बेन डोमट, आखिरी बॉल को डॉट कर देंगे। इसी डॉट के साथ यहाँ पर 16 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो जाएगा 114 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से 24 गेंदों का खेल बचा है, 24 गेंदों का खेल बचा है। बिंदु हसरंगा अगर मैं यहाँ पर बिंदु हसरंगा की अगर मैं बात करूँ कि जहाँ से जो कि आपको बता देता हूँ कि 16 ओवर हो चुके हैं, 16 ओवर में दोस्तों 4 ओवर का खेल बचा है, तो 4 ओवर में दोस्तों एक ओवर यहाँ पर जो कि बचा है दोस्तों बिंदु हसरंगा का, 2 ओवर बचे हैं दोस्तों यहाँ पर नुआन प्रदीप का, दोस्तों 1 ओवर बचा है यहाँ पर जो कि आपको बता देता हूँ कि यहाँ से सूडाना का दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज से दोस्तों इस मैच में यहाँ पर जो कि गेंदबाजी नहीं कराई गई है। इसी समय अगला ओवर लेकर आते हैं दोस्तों यहाँ पर बिंदु नुआन प्रदीप अपना दोस्तों तीसरा ओवर लेकर आते हुए हेडन केयर, देखेंगे कि यहाँ पर नुआन प्रदीप के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। क्योंकि बता दें कि नुआन प्रदीप ने पिछले ओवर में दोस्तों 2 विकेट निकाले थे, पहले दोस्तों निकाला गया था दोस्तों यहाँ पर नंदन डिसलवा, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिले थे। इसी समय स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो स्कोर हो चुका है 114 पर, बहुत ही यहाँ पर शर्मनाक दोस्तों स्कोर हमें देखने को मिला। इसी समय प्रदीप यहाँ पर तैयार है। और आपको बता दें दोस्तों कि बेल आप कैंडी के यहाँ पर जो कि ऑनर हैं दोस्तों यहाँ पर संजय दत्त, वहाँ पर संजय दत्त दोस्तों मैच का यहाँ पर लुप्त उठाते हुए दोस्तों संजय दत्त यहाँ पर जो कि बेल आप कैंडी के यहाँ पर ऑनर हैं भाई, आप लोग बता दो संजय दत्त इस मैच का यहाँ पर लुप्त ले रहे हैं दोस्तों ड्रेसिंग रूम में बैठकर। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 115 पर 5 विकेट के नुकसान पर। पहली बॉल पर आसानी से एक रन देखने को मिला था, अभी भी दोस्तों 5 गेंदें बची हैं, हम बेन डोमट के पास स्ट्राइक आ चुके हैं, नुआन प्रदीप ओवर द विकेट गेंद लाने के लिए तैयार है, मगर देखा जाएगा कि अगली बॉल को किस तरह करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को सही तरीके से पड़ा गया था बेन डोमट के द्वारा और जड़ दिया है दोस्तों आसानी से एक रन, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 116 पर 5 विकेट के नुकसान पर। वी लव कैंडी दोस्तों बता दें कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैच में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, और क्या बेहतरीन तरीके से जमीन तारीफ खरीदा दोस्तों यहाँ पर कब है। इसी समय टीम का स्कोर रोज का 116 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से तीन लास्ट 4 बॉलें बची हैं। इसी समय हेडन केयर अगली बॉल तीसरी बॉल इस खेलने के लिए देखना होगा कि अगली बॉल को किस तरह खेलेंगे। इसी समय में तीसरी बॉल लेकर तैयार हैं नुआन प्रदीप ओवर द विकेट से तीसरी बॉल लेकर आते हुए दोस्तों बता दें कि तीसरी बॉल को सीधे बल्ले के साथ खेला गया है बैकफुट पर पंच आसानी से एक रन, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 17 पर 5 विकेट के नुकसान पर। हेडन यहाँ पर बेन डोमट 15 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 31-13 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो मैं हेडन केयर की अगर मैं बात करूँ तो हेडन केयर 7 बॉलों में दोस्तों 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। और फिर से दोस्तों यहाँ पर जो कि यहाँ पर बात आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर बेन डोमट के पास दोस्तों देखना होगा कि बेन डोमट यहाँ से किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। इसी के कारण दोस्तों बता दें कि नुआन प्रदीप ओवर द विकेट
तो बार फिर से दोस्तों एंगल के साथ गेंद को दोस्तों अंदर लाने की कोशिश कर जाएगी। इसी क्रम में पटकी हुई गेंद दोस्तों बेन डॉर्मेट ने यहाँ पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए हवा में शॉट खेला है। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 9 मैच गेंद लैंड करेगी दोस्तों। इसी के साथ आपको बता दें कि 4th बॉल पर 2 रन आसानी से प्राप्त हुए। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 119/5 विकेट के नुकसान पर। 16 बॉलों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं बट बेन डॉर्मेट। हेडन केयर की अगर बात की जाए तो हेडन केयर दोस्तों 7 बॉलों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इसी क्रम में दोस्तों बता दें कि नुआन प्रदीप अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं बेन डॉर्मेट के सामने। बेन डॉर्मेट दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चौका। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 123/5 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए बेन डॉर्मेट। पिछले मैच में दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई थी। इस मैच में दोस्तों उस फॉर्म को यहाँ पर जारी रखा हुआ है। और अभी बता दें दोस्तों अगर ये बल्लेबाज लास्ट की 19 गेंदों में से अगर 15 गेंद खेल लेता है तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि बहुत अच्छा स्कोर हमें देखने को मिल सकता है। इसी तरह चौके के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 129/5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी लास्ट बॉल बची है नुआन प्रदीप और बिंदु हसरंगा दोस्तों बातचीत करते हुए कि यहाँ पर आखिरी बॉल को कहाँ करा जाए। और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी इस ओवर में अभी तक हमें 2 रन देखने को मिले हैं। 9 रन आ चुके हैं। आखिरी बॉल लेकर तैयार हैं नुआन प्रदीप के पास। दोस्तों बता दें कि आखिरी बॉल किस तरह करी है कि बेन डॉर्मेट यहाँ पर जो कि कुकाबुरा के बल्ले से खेलते हैं। इसी क्रम में अगली बॉल लेकर तैयार हैं। अगली बॉल दोस्तों बता दें कि अगली बॉल को यहाँ पर बल्ले का इनसाइड एज लगी, गेंद गई थर्ड मैन दिशा में मगर मिस फील्डिंग के चलते दोस्तों मिल जाएगा एक और चौका। और यहाँ पर चौका दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि जो एक ही रन होना चाहिए तमाम मिस फील्डिंग के चलते दोस्तों चौका प्राप्त हुआ। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 127/5 विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं और इसी 17 ओवर के समाप्त के साथ क्या यहाँ पर 18 बॉलों में हेडन केयर और बेन डॉर्मेट क्या दोस्तों बता दें कि अपनी टीम का स्कोर पहुँचा सकते हैं क्या 165 के पास। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि दोनों बल्लेबाज क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि ये बल्लेबाज दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं। तब तक दोस्तों हमारे स्ट्रीम को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी के साथ में बेल लव कैंडी पहुँच चुकी है दोस्तों यहाँ पर जो कि 17वें ओवर पर। मगर देखा जाएगा कि अगला ओवर दोस्तों कौन करेगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अपना आखिरी ओवर लेकर विंदु हसरंगा यहाँ पर गेंदबाजी लेकर आते हुए वहाँ पर हेडन केयर के सामने। इसी समय हेडन केयर ने यहाँ पर देखना होगा कि हेडन केयर ने दोस्तों बिंदु हसरंगा के इससे पहले ओवर में 2 चौके लगाए गए थे दोस्तों। क्या इस बार दोस्तों फिर से वो हेडन केयर हमें 2 चौके मारते हुए देखेंगे यहाँ पर बिंदु हसरंगा के इस ओवर में। इसी के सामने दोस्तों पहली बॉल पर तो सिंगल आ चुका है मगर 5 गेंदें बची हैं। लास्ट की 5 गेंदों में देखा जाएगा कितने रन और बनते हैं। इसी समय 128/5 विकेट के नुकसान पर और बेन डॉर्मेट के पास स्ट्राइक है। इसी समय बिंदु हसरंगा ने यहाँ पर गेंद करी और स्लॉक स्वीप भाई लगभग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन छक्का। और इसी हिसाब दोस्तों बता दें कि तीसरी बॉल पर 2 रन आसानी से प्राप्त हुए। अब तक 3 बॉलों में आ चुके हैं 2 रन। एक बार फिर से दोस्तों चौथी बॉल को उड़ा दिया है दोस्तों यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और इसी के साथ चौथी बॉल पर एक और छक्का और बेन डॉर्मेट ने दोस्तों बहुत बेहतरीन यहाँ पर पारी खेला भाई, बहुत बेहतरीन। मतलब दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 15 रन शुरुआती 4 बॉलों में आ चुके हैं और क्या बेहतरीन पारी खेला बेन डॉर्मेट भाई। इसी यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर भारी रकम में खेला गया था यहाँ पर बेन डॉर्मेट को मगर बेन डॉर्मेट ने दोस्तों अपने कदम को निकाला, जड़ दिया है बेहतरीन छक्का, 80 मीटर लंबा छक्का। और इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर फिर तैयार है मगर असली बॉल दोस्तों बता दें कि 5वीं बॉल लेकर तैयार हैं यहाँ पर बिंदु हसरंगा मगर 5वीं बॉल दोस्तों विकेट की लाइन में करेंगे। डॉट गेंद हमें देखने को मिली और अभी भी दोस्तों यहाँ से आखिरी बॉल बची है। देखा जाएगा कि आखिरी बॉल को इस तरह से यहाँ पर गेंदबाज लेकर आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बताने कि अब तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, इस टीम को लाइक करते रहिए। आखिरी बॉल लेकर तैयार हैं बेन डॉर्मेट ने। एक बार दोस्तों बता दें कि फिर से हवा में खेला है दोस्तों, फिर से हवा में खेला है और ऊंची गेंद गई है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आखिरकार दोस्तों जीत हो जाएगी यहाँ पर बिंदु हसरंगा के। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेन डॉर्मेट जाएंगे दोस्तों पवेलियन मगर बेन डॉर्मेट ने बहुत ही अच्छी दोस्तों पारी खेली है। और सिक्स रन में आखिरी बॉल पर दोस्तों बता दें कि इस ओवर को और बड़ा बनाने की कोशिश में अपना विकेट दोस्तों गवा देंगे। और सिक्स रन में दोस्तों बता दें कि यहां पर 142 के स्कोर पर गिरा 6ठा विकेट। इसी सन में आठ यहां पर
18 ओवर के समाप्त होने के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा 142 पर 6 विकेट के नुकसान पर। मगर बहुत बढ़िया दोस्तों पारी खेली थी दोस्तों यहाँ पर, जो कि बैन डोमट ने 23 बोलों में 37 रन की पारी और यहाँ पर हसरंगा के ऊपर दोस्तों बता दें कि यहाँ से ओवर आपको बता दें कि 15 रन का ओवर था हसरंगा के ऊपर और बैन डोमट दोस्तों यहाँ पर जाते हुए पवेलियन। मगर दोस्तों उनके जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं दोस्तों यहाँ पर सराहना करते हुए इसी समय देखा जाएगा कि यहाँ पर जो कि अगले बल्लेबाज वो कौन से आते हैं। और इसी समय दोस्तों बता दें कि वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। लास्ट की 12 बोले बची हैं और लास्ट की 12 बोले में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं। हेडन कैर दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोस्तों हेडन कैर यहाँ पर 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और वेन डोमट 23 बोले में 37 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो चुके हैं। मगर देखा जाएगा कि लास्ट की 12 बोले बची हैं कि लास्ट की 12 बोले में टीम का स्कोर क्या 175 क्या 172 तक पहुँचा पाएगी टीम यहाँ पर, जो कि हेडन कैर और दोस्तों बल्लेबाज मगर देखने का किस तरह करेंगे। इसी कारण दोस्तों नए बल्लेबाज देखने आगे कौन से नए बल्लेबाज आते हैं। इसी साल मैं आपको बता देता है कि यहाँ पर जो बिंदु हसरंगा और आपको बता दें दोस्तों सत्यत्या अब सत्यत्या जयशंकर दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इसी दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से टीम का स्कोर दोस्तों हो जाएगा। इसी साल में यहाँ पर देखना होगा कि अगली ओवर दोस्तों कौन सा गेंदबाज लेकर आता है सामने। दोस्तों बता दें कि ईशु उडाना अगला ओवर लेकर आए, ईशु उडाना का दोस्तों पहली बॉल सामना करेंगे हेडन कैर। पहली बॉल पर दोस्तों बता दें कि वाइड ओवर का देखने को मिली, वाइड ओवर का दोस्तों खेला गया है यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी। और ईशु उडाना के दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ईशु उडाना आखिरी की ओवर में यहाँ पर जो कि वाइड ओवर करते हैं। इसी समय दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वो किस लॉक स्वीप करने की कोशिश करी गई थी, बल्ले और गेंद यहाँ पर चढ़ी नहीं थी और यहाँ पर बता दें कि बहुत ही बेहतरीन कैच हमें देखने को मिला है दोस्तों यहाँ से। और इसी समय यहाँ पर जो कि छठा विकेट गिरा था मगर इसी समय यहाँ पर सचत्या के पास स्ट्राइक आ चुकी है। और इसी समय आपको बता दें कि यहाँ पर पहली बॉल लेकर यहाँ पर पहली बॉल पर एक रन प्राप्त हुआ। इसी समय अगली बॉल लेकर ईशु उडाना ओवर द विकेट से तैयार हैं सत्यत्या के पास और देखा जाएगा किस तरह करेंगे सत्यत्या अगली बॉल लाने के लिए तैयार है। और इसी समय दोस्तों बता दें कि विकेटों की लाइन में डॉट गेंद, भाई डॉट गेंद मत कर भाई, अरे भाई डॉट गेंद मत कर यार, रन मार सिंगल सिंगल से मार क्या, हाँ तो मैं चूड़िया पहन कर आया है क्या। इसी समय दूसरी बॉल डॉट गेंद है और सिर्फ डॉट के साथ ईशु उडाना ने दो बॉलों पर अभी तक एक ही रन प्राप्त दे दिया है और क्या बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर ईशु उडाना दोस्तों आखिरी के ओवर में यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। और इसी समय बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से फिक्सन में यहाँ पर तीसरी बॉल लेकर तैयार है। तीसरी बॉल पर एक और सिंगल मिस फील्डिंग के चलते दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा सिंगल एक बार फिर से दोस्तों हेडन कैर आ जाएंगे स्ट्राइक पर। अब लास्ट की 9 बॉलें बची हैं और हेडन कैर की कोशिश ये रहेगी कि लास्ट की 9 बॉलें दोस्तों उन वो ही खेलें। इसी क्षण में हेडन कैर किस देखने का किस तरह करेंगे हेडन कैर के अगर मैं बात करूँ तो हेडन कैर यहाँ पर चौथी बॉल खेलने के लिए तैयार हैं। सामने हैं ईशु उडाना, अब देखने का कि चौथी बॉल को किस तरह खेलें। यहाँ पर जो कि हेडन कैर की निगाह है दोस्तों यहाँ पर ईशु उडाना की गेंद पर हैं और यहाँ पर हेडन कैर जानते हैं दोस्तों कि गेंद को कहाँ करना है। इसी समय अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर पैरों पर गेंद दोस्तों स्लॉक स्वीप और सिक्स रन में दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन छक्का यहाँ पर ईशु उडाना के ऊपर दोस्तों जड़ गया है। बेहतरीन छक्का पहली पैरों पर गेंद करी थी और हेडन कैर ने दोस्तों जोर से नहीं मारा, सिर्फ और सिर्फ बल्ला लगाया और गेंद गई दोस्तों यहाँ पर जो कि स्कोर लेग की दिशा में, स्कोर लेग की बाउंड्री है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 60 मीटर है और यहाँ पर दोस्तों गेंद की ऊंचाई तक पहुँचे और क्या बेहतरीन चौका हमें देख छक्का देखने को मिला है। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 150 पर 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से 4 बॉलें शेष बची हैं, 4 बॉलें पांचवीं बॉल लेकर फिर से तैयार हैं यहाँ पर ईशु उडाना। देखने का कि पांचवीं बॉल को कहाँ करते हैं और यहाँ पर जो कि हेडन कैर है पांचवीं बॉल को किस तरह से खेलते हैं। इसी क्षण में पांचवीं बॉल लेकर तैयार हैं, पांचवीं बॉल ओवर द विकेट से दोस्तों इस बार लोग फुल टॉस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ आसानी से एक रन देखने को मिलेगा। इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 191 पर 6 विकेट के नुकसान पर। और बता दें कि अब तक इस ओवर में जो रन देखने को मिले वो सिर्फ यहाँ पर 9 रन आए हैं और बता दें कि दोस्तों छक्का तो मारा गया था, वो वहाँ पर बेहतरीन तरीके से छक्का मारा गया था दोस्तों यहाँ पर डमला के दोस्तों यहाँ पर जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है हेडन कैर उनके ऊपर दोस्तों छक्का मारा गया था। इसी क्षण में इस ओवर की आखिरी बॉल सामने है दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाज यहाँ पर जैसा सत्या आखिरी बॉल दोस्तों आखिरी बॉल पर क्या यहाँ पर सत्या एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं क्या दोस्तों, बड़ा शॉट लगा सकते हैं आखिरी बॉल पर देखना होगा। इसी क्षण में दोस्तों आखिरी बॉल लेकर तैयार है सत्या दोस्तों, सत्या या शंकर तैयार हैं आखिरी बॉल ले खेलने के लिए। इसी तरह में दोस्तों आखिरी बॉल को यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है और आखिरी बॉल पर दोस्तों यहाँ पर जो कि फील्डर यहाँ पर तैनात है दोस्तों, पहला रन तो तेजी से ले लिया है, दूसरा रन भी दोस्तों तेजी से तो यहाँ पर पूरा करेंगे एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों वहाँ पर तैनात है और क्या बेहतरीन दोस्तों विकेटों की लाइन में दोस्तों हमें जो कि विकेटों के बीच दोस्तों रनिंग देखने को मिली। इसी के समय 3 ओवर के साथ 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर में यहाँ पर ईशु उडाना के 3 ओवर में दोस्तों जो हमें स्कोर देखने को मिला है वो 30 रन। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि डमला की टीम
तमुला की टीम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तमुला की टीम के पास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लास्ट के यहाँ से 6 ओवर, माफी चाहूँगा दोस्तों, लास्ट की 6 गेंदें बची हैं। और देखना होगा कि लास्ट की 6 गेंदें हेडन कैर यहाँ पर कौन करता है, क्या एंजेलो मैथ्यूज करेंगे कि यहाँ पर नवान प्रदीप करेंगे, देखना होगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से 153 पर है, क्या यहाँ पर हेडन कैर दोस्तों 170 तक या 172 तक पहुँचा देंगे टीम का स्कोर। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़े तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई है आज इन्होंने। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज गेंदबाजी पहली बॉल लेकर, देखने का कि पहले दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि नवान प्रदीप आएंगे। इसी के साथ में नवान प्रदीप लेकर आते हैं दोस्तों पहली बॉल को, और देखने का किस तरह करेंगे यहाँ पर राउंड द विकेट से। पहली बॉल पर दोस्तों यहाँ पर आसानी से सिंगल देखने को मिलेगा, और लो फुल टॉस पहली बॉल पर आ चुका है सिंगल, अब स्ट्राइक आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर नए के या थिरके के पास, या थिरके के पास स्ट्राइक आ चुकी है भाई लोगों। करंट रन रेट दोस्तों 8 पे चला है, लास्ट की 5 बॉलें बची हैं, क्या जिया थिरके दोस्तों यहाँ पर जो कि हेडन कैर वाला काम कर सकते हैं। मगर देखने का कि जिया थिरके के अगर स्लॉट में गेंद आती है दोस्तों तो वहाँ पर बल्ला घुमा सकते हैं अपन जिया थिरके, हमने देखा। इसी तरह में अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर जो कि नवान प्रदीप ओवर द विकेट से गेंद लाने के लिए, जिया थिरके के लिए। जिया थिरके ने दोस्तों हल्के हाथों से गेंद को खेलता हुआ दोस्तों स्ट्राइक एक बार फिर से पहुँचा दिया है हेडन कैर के पास। हेडन कैर दोस्तों बता दें कि शुरुआती 2 बॉलों में 2 रन आसानी से प्राप्त हुए, इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुँच चुका है 55 पर 155। क्या यहाँ से 4 बॉलों में 210 रन 12 रन क्या बना पाएंगे दोस्तों बल्लेबाज, क्या बना पाएंगे दोस्तों, क्या 165 तक यहाँ पर बन जाएगा टीम का स्कोर। इसी क्रम में दोस्तों 5 ओवर की 3री बॉल लेकर वहाँ पर हेडन कैर के पास स्ट्राइक है दोस्तों। हेडन कैर अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर कट करने की, को भाई यहाँ पर स्लो और गति की गजर हेडन कैर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बता दें कि बिल्कुल 105 किलोमीटर की गति की स्पीड से गेंद फेंकी गई थी। और हेडन कैर की अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पर नीची भी रही, और हेडन कैर दोस्तों किस बॉल को समझ नहीं पाए थे, और सीख था दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंद देखने को मिली। और यहाँ पर दिनेश चंदीमल दोस्तों यहाँ पर तारीफ करते हुए, सीख सामने इस ओवर की 4थी बॉल सामना करा जाएगा, 4थी बॉल को देखेंगे कि किस तरह करेंगे। नवान प्रदीप तैयार हैं 4थी बॉल लाने के लिए, हेडन कैर की निगाहें दोस्तों गेंद पर। इसी साल में 4थी बॉल की क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया है 4थी बॉल का, कर दिया है 4था। और उसी स्थान में दोस्तों बता दें कि 9 बॉल प्लस दोस्तों यहाँ पर फ्री हिट, और भाई यहाँ पर 9 बॉल प्लस फ्री हिट। और आपको बता दें कि यहाँ पर नो बॉल है मेरे साथ दोस्तों, क्या 9 बॉल है। कैसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर पैर तो पीछे है भाई, पैर तो यहाँ पर नहीं भाई पैर पीछे नहीं है, पैर बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और इसी स्थान में दोस्तों बता दें कि 9 बॉल प्लस फ्री हिट। और यहाँ पर जब यहाँ पर गेंद करी थी यहाँ पर नवान प्रदीप ने, उसके बाद नवान प्रदीप दोस्तों का डिसबैलेंस हुआ और उनका दोस्तों नवान प्रदीप गिर भी गए। और आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर जो कि बैक ऑफ लेन गेंद थी, और आपको बता दें दोस्तों फ्री हिट प्राप्त होती हुई थी, फ्री हिट के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा 160 पर 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें बची हैं, मगर अगली बॉल दोस्तों फ्री हिट होगी, मगर यहाँ पर जो कि स्ट्राइक जो है वो हेडन कैर के पास है, फ्री हिट होगी दोस्तों अगली बॉल। देखना रहेगा कि अगली बॉल को किस तरह करेंगे। हेडन कैर की निकाय बिल्कुल यहाँ पर जम चुकी है, और क्या हेडन कैर दोस्तों लास्ट की 3 बॉलों में क्या दोस्तों यहाँ पर 2 छक्के या यहाँ पर रुकी बड़ी शॉट लगा पाएंगे। इसी क्षण में फ्री हिट बॉल है, और देखा जाएगा कि यहाँ पर रुकी हेडन कैर किस तरह करेंगे। इसी क्षण में अगली बॉल लाने के लिए तैयार है बल्लेबाज, देखा जाएगा। इसी क्षण में यहाँ पर 4थी बॉल दोस्तों यहाँ पर आसानी से 1 ही रन देखने को मिलेगा। और उसी क्षण में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट करा है, क्या 1 ही रन से लेकर जाएगा। और यहाँ पर बाल बचे दोस्तों यहाँ पर 1 ही रन लिया जाएगा। और उसी क्षण में यहाँ पर रुकी फ्री हिट के बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए और आसानी से 1 रन देखने को मिलेगा। इसी 1 रन के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 161 पर 6 विकेट के नुकसान पर। अब तक इस ओवर में आपको बता दें कि यहाँ से 6 2 8 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें बची हैं, और यहाँ पर जिया थिरके के पास स्ट्राइक है। जिया थिरके 3-4 बॉले में दोस्तों 3 रन बनाकर खेल दें। जिया थिरके 5वीं बॉल लेकर तैयार है, नवान प्रदीप सामना करेंगे, 5वीं बॉल लेकर तैयार है, 5वीं बॉल जिया थिरके के यहाँ पर बड़ा शॉट खेलेंगे जिया थिरके। इसी के साथ में आखिरी बॉल दोस्तों लेकर तैयार है नवान प्रदीप ने दोस्तों जिया थिरके के लिए, लो फुल टॉस करी और लो फुल टॉस पे आसानी से 1 रन देखने को मिलेगा। इसी 1 रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 162 पर 6 विकेट के नुकसान पर। और ये यहाँ से एक आखिरी बॉल है दमुला की टीम के पास, पहली पारी को दोस्तों बता दें कि ये आखिरी बॉल है। एक आधा का किस्तान करेंगे दमुला और ओरा की टीम, यहाँ पर दोस्तों बता दें कि स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही लगातार, मगर यहाँ पर आखिरी बॉल हेडन कैर खेलेंगे। और देखा जाएगा कि आखिरी बॉल को हेडन कैर किस तरह करेंगे, क्या हेडन कैर दोस्तों आखिरी बॉल को बड़ा शॉट मार सकते हैं। निगाहें दोस्तों हेडन कैर के ऊपर, हेडन कैर ने 15 बॉलों में 226 रन की पारी खेली। इसी क्षण में आखिरी बॉल लेकर तैयार है हेडन कैर, और आखिरी बॉल पर दोस्तों यहाँ पर विकेट प्राप्त होगा। इसी क्षण में दोस्तों हेडन कैर ने यहाँ पर बल्ला तो घुमाया है,
और पीछे खिलाड़ी मौजूद है और सिक्सर में आखिरी बॉल पर दोस्तों ना छक्का ना चौका और सिक्स था दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर नवान प्रदीप ने दोस्तों निकाला है तीसरा विकेट और सिक्सर में यहाँ पर जो कप्तान है बिंदु हसरंगा उन्होंने दोस्तों कैच को पकड़ा है और इसी समय निर्धारित 20 ओवर में टीम का स्कोर बन चुका है दोस्तों 162 पर 7 विकेट के नुकसान पर। हेडन केयर 16 बॉलों में दोस्तों 26 रन बनाकर खेलते हुए और वहीं जियाथिर के दोस्तों पाँच बॉलों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 रन बना पाए और उसी के समय दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन दोस्तों हमें आज गेंदबाजी देखने को मिली है नुमान प्रदीप यहाँ पर जो नुमान प्रदीप की तरफ से दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से बिंदु हसरंगा की तरफ से और उसी का दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इनिंग बैक्स का यहाँ पर काम हो चुका है। इसी में निर्धारित 20 बॉलों में दोस्तों 120 बॉलों में यहाँ पर डमलिया की टीम ने अपने बगैर कप्तान के साथ दोस्तों जो टीम का स्कोर बना है वो 162 पर 7 विकेट के नुकसान पर बना है और क्या डमलिया की टीम दोस्तों इस स्कोर को बचा पाएगी वो देखना होगा। और इसी साल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर निर्धारित 20 यहाँ पर 120 गेंदों में दोस्तों यहाँ पर डमलिया की टीम ने 162 रन बनाए। अगर यहाँ पर 162 रन को डिफेंड करना है डमला की टीम को दोस्तों तो वी लव कैंडी के दोस्तों बल्लेबाजों को रोकना होगा वरना दोस्तों बता दें कि वी लव कैंडी के बल्लेबाज दोस्तों रोकने का नाम नहीं लेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि वी लव कैंडी क्या 120 अगर यहां पर वी लव कैंडी को दोस्तों अगर टॉप ऑन टेबल पहुंचना है तो 120 बॉलों में बनाने होंगे दोस्तों 163 रन। और इसी के साथ आपको बता दें कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे दोस्तों इनिंग ब्रेक के बाद, तब तक ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।
और इसी के साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ से जो यहाँ पर इनिंग ब्रेक था वो खत्म हो चुका है। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर प्रथम दोस्तों मधुशंका यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और पहली बॉल दोस्तों उन्होंने वाइड कर दी है और इसी के साथ में यहाँ पर खाता खुल चुका है वी लव कैंडी का और देखा जाएगा दोस्तों किस तरह करेंगे। इसी के साथ में प्रथम मधुशंका पहली बॉल लेकर तैयार है मोहम्मद हैरिस के लिए और हैरिस दोस्तों राउंड द विकेट से पहली बॉल को सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर खेच पेश करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके यहाँ पर क्योंकि पहली बॉल को बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर खेला है मोहम्मद हारिस ने। और मोहम्मद हारिस की अगर मैं बात करूँ पिछले मैच में दोस्तों यहाँ पर नसीम शाह ने इनको आउट कर दिया था। चार बॉलों पर दोस्तों सिर्फ एक ही रन बनाकर आओ यहाँ पर रन बना चाहिए एक ही रन बना पाए थे। तो हम चाहेंगे कि दोस्तों कि मोहम्मद हारिस के बल्ले से रन निकले और देखना होगा किस तरह से यहाँ पर मोहम्मद हारिस दोस्तों हमें खेलते हुए नजर आए। और इसी के साथ में अगर उनके साथ ही खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ फ़खर जमा की तो फ़खर भी जमा दोस्तों बहुत ही अच्छे वहाँ पर टैलेंटेड वाले बात है। पिछले मैच में दोस्तों यहाँ पर कप्तान बिंदु हसरंगा की वजह से वो यहाँ पर रनआउट हो चुके थे मगर यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करूँ तो फ़खर जमा कल के मैच में दोस्तों थोड़े से स्लो हुए यहाँ पर नजर आए थे दोस्तों। और आपको बता दें कि मैंने पहले ही दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि ये पिच यहाँ पर जैसे जैसे मैच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पिच यहाँ पर स्लो होती जाएगी। और उसी के साथ में प्रथम मधुशंकर ने दूसरी बॉल पर दोस्तों बता दें कि अंदर से बाहर लेकर आते हुए देखा और वहाँ पर मोहम्मद हारिस ने गेंद को छोड़ा और यहाँ पर रन लेने का कोई भी मौका नहीं। इसी के साथ में यहाँ पर जो कि वी लव कैंडी दो बॉलों में एक रन बनाकर यहाँ पर खेलती हुई। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ दोस्तों अभी तक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैच को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं मोहम्मद हारिस। इसी के साथ में प्रथम मधुशंकर ओवर द विकेट से मोहम्मद हारिस के लिए और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बैक ऑफ लेंथ को इनको दोस्तों सीधे बल्ले के साथ खेला आसानी से दोस्तों यहाँ पर जो कि थर्ड मैन की दिशा में आसानी से एक रन देखने को मिला। इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर यहाँ से हो जाएगा दो रन पर तीन गेंदों पर। फ़खर जमा के पास दोस्तों एक बार फिर से एक्स्ट्रा का था कि फ़खर जमा पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाज हैं और देखना जाएगा। फ़खर जमा की अगर मैं बात करूँ तो फ़खर जमा ने यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग में यहाँ पर वी लव कैंडी के लिए दोस्तों बहुत ही यहाँ पर बता दें कि रीढ़ की हड्डी की तरह यहाँ पर काम करते हुए नजर आए हैं। फ़खर जमा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है और इन्होंने अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इन्होंने यहाँ पर कि मैच को दोस्तों बता दें कि कंट्रोल में रखते हैं और मैच को अंत तक लेकर आते हैं। यहाँ फ़खर जमा की एक खूबी रहती है और इसी साल में बता दें कि तीन बॉल में यहाँ पर दो रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी साल में चौथी बॉल प्रथम मधुशंकर की फ़खर जमा के लिए। फ़खर जमा अपनी पहली बॉल और कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों ओवर कवर क्या बेहतरीन चौका। अब पहला चौका दोस्तों बता रहे कि फ़खर जमा ने अपना खाता खोला है दोस्तों चौके के लिए और डंबल अरोड़ा को दोस्तों ये मैच जीतना है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़खर जमा का बल्ला यहाँ पर नहीं चलना चाहिए और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि चार बॉलों में छः रन बन चुके हैं और टीम को यहाँ पर दरकार अब पहला चौका आता हुआ फ़खर जमा के बल्ले से। इसी के साथ में आपको बता दें कि 116 बॉलों में दोस्तों 157 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.12 का चल रहा है। करंट रन रेट यहाँ से 9.02 का चलता हुआ। पदम मधुशंका चार बॉलों में 206 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी समय पांचवी बॉल एक बार फिर से दोस्तों राउंड द विकेट से गेंद लाने के लिए देखा जाएगा कि पदम मधुशंका पांचवी बॉल को किस तरह करेंगे। इसी के साथ दोस्तों कदमों का एक बार फिर से बैक टू बैक कदमों का इस्तेमाल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर चौथी बॉल ओवर द कवर। इस बार दोस्तों बता दें कि इनसाइड आउट यहाँ पर बेहतरीन चौका। इसी चौके के साथ पांच बॉलों में दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा 10 पर बिना किसी नुकसान पर। और यहाँ पर बाबर आजम दोस्तों पिछले मैच की जो यहाँ पर खुन्नस है वो शायद यहाँ पर डम्बल अरोड़ा के सामने उतारी जाएगी। इसी के साथ में दो बॉलों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं फ़खर जमा। अगर मैं बात करूँ इसी समय पांच बॉलों में 10 रन बना चुके हैं मोहम्मद हारिस। तीन बॉलों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो वहीं फ़खर जमा की अगर मैं बात करूँ तो फ़खर जमा भी दो बॉलों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। पदम मधुशंका आखिरी बॉल लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पदम मधुशंका यहाँ पर थोड़े में हल्के में लेकर ऐसा लग रहा था कि फ़खर जमा को थोड़ी सी लूज यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं मगर यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे। इसी के समय आखिरी बॉल डॉट गेंद इसी डॉट के चलते यहाँ पर मधुशंका की अगर बात करें तो दोस्तों बता दें कि फ़खर जमा यहाँ पर वी लव कैंडी ने पहले ओवर में 10 रन दिए और उसी कारण में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है एक ओवर के टीम को दोस्तों एक ओवर में 10 रन दिए बिना विकेट खोए। एक बार फिर से दोस्तों मोहम्मद हारिस के पास स्ट्राइक आ चुके हैं। मोहम्मद हारिस ने तीन बॉलों में 1 रन दिए बनाकर खेल रहे हैं और वहीं फ़खर जमा की अगर मैं बात करूँ तो फ़खर जमा भी दोस्तों यहाँ से तीन बॉलों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों उन्होंने आज में बल्लेबाजी करके दिखाई है फ़खर जमा ने और देखा जाएगा कि लोग तो अभी भी यहाँ पर शुरुआत हुई है पावर प्ले का। जिस तरह से पावर प्ले में रन बने यहाँ पर डम्बल अरोड़ा के 6 ओवर में 61 रन और कहीं ना कहीं दोस्तों पावर प्ले का फायदा ज़रूर उठाएंगे यहाँ पर क्योंकि वी लव कैंडी के बल्लेबाज और देखने का किस रन करें। इसी के साथ दोस्तों हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और देखा जाएगा दोस्तों मैच को किस तरह से आगे लेके बढ़ते हैं और कोशिश कर सकते हैं यहाँ से।
और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज गेंदबाजी के बाद यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी हमें देखने को मिली है धनंजय डिसलवा दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी थे दोस्तों कुछ खास काम नहीं कर पाए थे मगर यहाँ पर गेंदबाजी लेकर आते हुए ओवर द विकेट से अगली बॉल दोस्तों सीधे बल्ले के साथ खेली। मगर मोहम्मद हैरिस की बात करूँ दोस्तों तो महमूद हैरिस यहाँ पर थोड़े से दोस्तों यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करूँ तो धनंजय डिसलवा के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। मगर देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। पहली बॉल तो डॉट हो चुकी है, दूसरी बॉल को भी दोस्तों यहाँ पर कट करने की कोशिश मगर गैप में नहीं भेज पाए मोहम्मद हैरिस। और हैरिस के साथ दोस्तों बता दें कि दो बॉलें डॉट हो चुकी हैं। दबाव दोस्तों यहाँ पर वापस मोहम्मद हैरिस के ऊपर और लगातार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई। करंट रन रेट यहाँ से 7.50 का चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट दोस्तों 8.22 का चलता हुआ और यहाँ से 111 बॉलों में 152 रन की आवश्यकता है। अगर यहाँ से डम्बल अरोड़ा को दोस्तों ये मैच जीतना है तो यहाँ से विकेट निकालना होगा। जिस तरह से यहाँ पर जो कल के मैच में यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स ने यहाँ पर टीम के लिए विकेट निकाले थे, इसी क्रम में टीम का स्कोर हो चुका है 11 पर बिना किसी नुकसान पर। लास्ट की तीन बॉलें बची हैं, लास्ट की तीन बॉलों पर देखा जाएगा और कितने रन बनाए जाते हैं। धनंजय डिसलवा तीन बॉलों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। फखरजमा की अगर मैं बात करूँ तो फखरजमा भी तीन बॉलों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी भी दोस्तों बता दें कि मैच में जान वापस आ सकती है कि अगर यहाँ से विकेट गिरता है दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ से वापसी कर सकते हैं। मगर देखा जाएगा किस तरह से वापसी करते रहेंगे धनंजय डिसलवा फखरजमा के सामने। मगर फखरजमा देखेंगे इसी क्षण में कदमों का इस्तेमाल करते हुए फखरजमा दोस्तों ओवर कवर मारने की कोशिश। मगर फखरजमा के दोस्तों बता दें आप लोगों को बल्ले गेंद का सही तरीके से जो कनेक्शन है वो नहीं देखने को मिला और इसी के साथ में पहला विकेट 11 रन के स्कोर में फखरजमा जाएंगे दोस्तों पवेलियन। 4 बॉल में दोस्तों 8 रन बनाकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक शैली से दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे थे। जब यहाँ पर प्रथम निशंका दोस्तों यहाँ पर माफी चाहूँगा प्रथम मधुशंका दोस्तों बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहे थे तो दो बॉलों पे 2 चौके लगा चुके थे यहाँ पर फखरजमा और वही आक्रामक शैली लेकर यहाँ पर धनंजय डिसलवा के सामने जब गेंद बल्लेबाजी करने के लिए आए और तो यहाँ पर डिसलवा ने थोड़ी सी चालाकी से गेंद उनके कदमों का इस्तेमाल करते हुए डिसलवा ने उनको पहले ही भाप लिया था और गेंद है जो उनसे दोस्तों दूर रखी थी जिसके कारण यहाँ पर बल्ले गेंद का जो कनेक्शन होना चाहिए था वो कनेक्शन नहीं हुआ और आखिरकार यहाँ पर विकेट हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ में बता दें कि वी लव कैंडी यहाँ पर 11 रन पर गवाएगी पहला विकेट और ये बहुत बड़ा दोस्तों विकेट हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ दोस्तों पहला विकेट यहाँ पर गिरा है और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज आ चुके हैं दोस्तों, बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंदीमल। और दोस्तों बता दें कि कमेंट बॉक्स में यहाँ पर एक जो पोल पड़ा है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सी आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम यहाँ से इस मैच को जीतेगी, क्या हु वी विल विन टीम यहाँ पर क्या डम्बल अरोड़ा दोस्तों इस मैच को जीतेगी, क्या वी लव कैंडी दोस्तों इस मैच को जीतेगी। इसी के समय दोस्तों हम लोग कमेंट पोल में बता सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों बता दें कि स्कोर की अगर बात करी जाए तो स्कोर दोस्तों हो चुका है 11 पर 1 विकेट के नुकसान पर। धनंजय डिसलवा ने दोस्तों अच्छी तरीके से गेंदबाजी करी है और काबिलियत अरे दोस्तों गेंदबाजी करी है। आपको बता दें कि डिसलवा ने 4 बॉलों में वहाँ पर 1 रन दिया है बल्लेबाजी से दोस्तों, यहाँ पर खास कुछ यहाँ पर जो कि योगदान नहीं दे पाए बल्लेबाजी से। मगर गेंदबाजी की बात आई तो यहाँ पर बहुत बड़ा दोस्तों मछली फंसाई गई धनंजय डिसलवा के द्वारा और आखिरकार दोस्तों जो विकेट है वो प्राप्त हुआ इसी साल में 11 पर 1 विकेट के नुकसान पर। लास्ट की 2 बॉलें बची हैं, दिनेश चंदीमल 5वीं बॉल पर दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ आसानी से दोस्तों और 1 रन देखने को मिलेगा इसी 1 रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहां से 12 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां से 1 गेंद बची है, 1 गेंद अभी भी बची है भाई लोगों, तो देखा जाएगा कि मेरे हिसाब से दोस्तों की वी लव कैंडी क्या दोस्तों यहाँ से वापसी कर पाएगी। 109 बॉलों में यहाँ से 151 रन की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड रन 8.5 का। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दूसरा विकेट यहां पर कोट एंड बोल्ड हो गए दोस्तों। धनंजय यहां पर मोहम्मद हैरिस कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करी थी और यहां पर बल्ले का लीडिंग एज लगते हुए दोस्तों दूसरे ही ओवर में 2 विकेट गिरते हुए और एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि यहां पर वी लव कैंडी थोड़े से स्ट्रगल करते हुए इसी समय यहां पर डिसलवा के सामने लगातार दोस्तों बता दें कि यहां पर बहुत ही अच्छी दोस्तों बल्लेबाजी करी है। और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों 12 पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक ही ओवर में दोस्तों लगातार यहाँ पर 2 विकेट गिरे हैं, चाहे दोस्तों बता दें कि एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरते हैं। अगर यहाँ पर अगर बात करी जाए और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर देखा जाएगा किस तरह करेंगे। और इसी के साथ में अंजुलो मैथ्यूज बिंदु हसरंग आसिफ अली नेहान वंद्रा यहाँ पर करेंगे, मगर देखा जाएगा दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी को अंजाम दे सकते हैं यहाँ पर बल्लेबाज। और 12 यहाँ पर बता दें कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 12 ज़रूर है, मगर 2 यहाँ पर दोनों ओपनर बहुत ही जल्दी आक्रामक शैली के लगे थे। वहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर जो कि मोहम्मद हैरिस है उस खास योगदान नहीं दे पाए और अपना विकेट दोस्तों यहाँ पर गंवाएंगे। और इसी समय अगर स्कोर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो स्कोर यहाँ पर 2 पर है और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं दोस्तों विंदु हसरंगा कप्तान, दोस्तों विंदु हसरंगा यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं
इसी के साथ दोस्तों इस बोले ओवर की अगली बॉल लेकर सामने बल्लेबाज है दोस्तों यहाँ पर दिनेश चंडीवाल, और देखा जाएगा कि अगली बॉल को कहाँ करते हैं। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है दोस्तों, निगाहें हैं दिनेश चंडीवाल की, वो यहाँ पर बील अप कैंडी के पास सामने दोस्तों। दो ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर दोस्तों 12 जरूर है, मगर देखा जाएगा कि अगला ओवर क्या यहाँ पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शहबाज धानी यहाँ पर लेकर आते हुए दिनेश चंडीवाल के लिए। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों दिनेश चंडीवाल की, तो दोस्तों दिनेश चंडीवाल के ऊपर लगातार यहाँ पर भरोसा जताया जा रहा है दोस्तों टीम का, मगर दिनेश चंडीवाल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि दिनेश चंडीवाल एक अच्छी तरीके से दोस्तों पार्टनरशिप करें अपने टीम को दोस्तों यहाँ पर जीत के दहलीज पर लेकर जाएं। इसी के साथ में दो बोले में दोस्तों विकेट बनाकर खेल रहे हैं दिनेश चंडीवाल, और यहाँ पर बिंदु हसरंगा के पास दोस्तों स्ट्राइक आनी चाहिए। देखना होगा कि बिंदु हसरंगा किस तरह से हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत करेगी। इसी के साथ में दोस्तों अगली बॉल लेकर सामने एक बार फिर से दोस्तों बल्लेबाज, दो बोले दो हो चुके हैं। अब धीरे धीरे शिकंजा दोस्तों बढ़ता हुआ लग रहा है कि हाँ से अगर मैं बात करूँ दोस्तों शहबाज धानी धीरे धीरे दोस्तों शिकंजा यहाँ पर कसते हुए यहाँ पर जो कि बल्लेबाज यहाँ पर बील अप कैंडी के बल्लेबाजों के ऊपर। दिनेश चंडीवाल तीन बोलों में दोस्तों एक रन बनाकर खेल रहे हैं। बिंदु हसरंगा के पास दोस्तों अभी तक स्ट्राइक नहीं यही आई है, और देखने का किस तरह करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर तीसरी बॉल शहबाज धानी दिनेश चंडीवाल के लिए ओवर द विकेट। क्या दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्या दोस्तों बड़ा शॉट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर दिनेश चंडीवाल के बल्ले से। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है दिनेश चंडीवाल दोस्तों, अगली बॉल खेलने के लिए तैयार है। और दिनेश चंडीवाल ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए और बहुत ही बेहतरीन चौका जड़ लिया। इसी चौके के साथ दोस्तों बता दें कि शहबाज धानी का यहाँ पर खाता खुल जाएगा चौके के साथ, वहीं यहाँ पर खाता खुलेगा दोस्तों। और लेग वाई का यहाँ पर चौका प्राप्त हुआ, पैडों पर गेंद लगी थी, शहबाज धानी ने यहाँ पर अपील करी गई थी, मगर दोस्तों जहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ पर जो कि ऑन फील्ड अंपायर हैं यहाँ पर अलीम दर, वो दोस्तों यहाँ पर नॉट आउट रहेंगे। इसी सर में बता दें कि स्कोर की बात करी जाए तो स्कोर यहाँ से हो चुका है दोस्तों 16 पर 2 विकेट के नुकसान पर लेग वाई का चौका प्राप्त हुआ। और इसी सर में अपने आप से नाराज़ हैं शहबाज धानी, क्योंकि बता दें कि अच्छे तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। इसी सर में अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, सामना फिर से करा जाएगा। इस ओवर की तीसरी बॉल लेकर तैयार हैं शहबाज धानी ओवर द विकेट गेंद लाने के लिए यहाँ से, जो कि बिंदु हसरंगा के लिए। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर जो कि दिनेश चंडीवाल के लिए, इस बार दोस्तों दिनेश चंडीवाल सीधे बल्ले के साथ खेलें, यहाँ पर अच्छात्मक तरीके से चौथी बॉल को खेला, रन लेने का कोई भी मौका नहीं दिया। इसी रन कैसा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पिच यहाँ पर धीरे धीरे हरकत करती जाएगी, मगर देखा जाएगा कि दोस्तों मैच को किस तरह से लेकर जाया जाता है। वी लव कैंडी का स्कोर हो चुका है दोस्तों, आपको बता दें कि 16 रन बिना किसी नुकसान पर। और बता दें कि यहाँ पर मोहम्मद हैदेश दिनेश चंडीवाल दोस्तों बता दें कि अपने पिंजड़े को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सन में अगली बॉल लेकर तैयार है दिनेश चंडीवाल की जो निगाहें हैं और बिल्कुल दोस्तों शहबाज धानी की अगली गेंद पर। इसी सन में अगली बॉल लेकर तैयार हैं और वी लव कैंडी तैयार है दोस्तों अगली बॉल खेलने के लिए। क्या ये बॉल दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बॉल होगी। इसी सन में पाँचवीं बॉल कट करने की कोशिश, ये जो आसानी से दोस्तों डॉट बॉल देखने को मिली, इसी डॉट बॉल के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा। आपको बता दें कि 16 रन दोस्तों बता दें कि लेग वाई का चौका जरूर इस ओवर में प्राप्त हुआ है, वरना कोई भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर स्कोर नहीं देखने को मिला है। और इसी सन में कोई स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 16 पर 2 विकेट के नुकसान पर दिनेश चंडीवाल 6 बॉलों में दोस्तों विकेट बनाकर खेल रहे हैं। तो वहीं बिंदु हसरंगा दोस्तों अभी तक स्ट्राइक नहीं प्राप्त कर पाए हैं इस ओवर में, अगर देखा जाएगा कि बिंदु हसरंगा के सामने अगर यहाँ पर धर्मेंद्र डिसूजा आते हैं तो दोस्तों कह सकते हैं कि वो यार काम कर देगा भाई, बिल्कुल कर देगा। इसी समय अगली बॉल लेकर तैयार है बिंदु हसरंगा के सामने दोस्तों, ये आखिरी बॉल शहबाज धानी दिनेश चंडीवाल, देखेंगे कि दोस्तों आखिरी बॉल को किस तरह से खेला जाएगा दिनेश चंडीवाल। इसी समय दोस्तों राउंड द विकेट से अगली बॉल लेकर आते हुए और पूरा खड़े खड़े दोस्तों ओवर पी गए यहाँ पर शहबाज धानी, बहुत बढ़िया दोस्तों ओवर देखने को मिला है। और सिक्स साल में आपको बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो जाएगा 3 ओवर के समाप्ति पर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर मैडन ओवर हमें देखने को मिला है दोस्तों शहबाज धानी के ओवर से। इसी साल में बता दें कि यहाँ पर 7 बॉलों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं दिनेश चंडीवाल, और वहीं बिंदु हसरंगा को दोस्तों स्ट्राइक मिली गई। अब देखना होगा कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि 3 बॉलों में टीम का स्कोर दोस्तों 16 ज़रूर है, और क्या मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा हो सकता है कि लास्ट की यहाँ पर पावर प्ले में दोस्तों की पहले ओवर में यहाँ से 10 रन प्राप्त हुए थे, उसके बाद यहाँ से 2 ओवर में मात्र 6 रन आए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो जादू चल रहा है डम्बल अरोड़ा के गेंदबाजों का, अगर मैं बात करूँ तो उसी के साथ में बता दें कि स्कोर की अगर बात करी जाए तो स्कोर हो चुका है 16 पर 2 विकेट के नुकसान पर, मगर देखा जाएगा कि चौथा ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों कि चौथा ओवर बिंदु हसरंगा को सामने दोस्तों धनंजय डिसलवा नहीं आना चाहिए। अगर धनंजय डिसलवा दोस्तों बिंदु हसरंगा के सामने आ जाएंगे तो बिंदु हसरंगा धनंजय डिसलवा का दोस्तों भूत उतार देंगे। इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि हेडन केयर तैयार हैं दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी लाने के लिए, देखा जाएगा कि हेडन केयर किस रन करेंगे। हेडन केयर ने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 17 बॉलों में 25 रन की पारी खेली थी, बहुत ही यहाँ पर लजीज पारी खेली थी। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार हैं हेडन केयर,
देखा देखा तो पहली बॉल को किस रन करेंगे। पहली बॉल दोस्तों बता दें कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए हेडन केयर का यहाँ पर चौके के साथ स्वागत करा गया है। ओवर कवर दोस्तों यहाँ पर है, जो बिंदु असंगा का खेल रहता है ना दोस्तों वो इसी तरीके से खाल रहता है आए। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्या बेहतरीन दोस्तों पहली बॉल को दोस्तों बता दें कि इनसाइड और पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए बता दें कि यहाँ पर जड़ दिया है बेहतरीन चौका और उसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 20 पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर लेकर तैयार हैं हेडन केयर के द्वारा सामना करा जाएगा। क्या हेडन केयर दोस्तों यहाँ से कुछ यहाँ पर कर पाएंगे क्या यहाँ पर, अगर यहाँ से इस मैच को जीतना है तो यहाँ पर जो कि बिंदु हसरंगा का जो विकेट है वो निकालना, अगर बिंदु हसरंगा का विकेट अगर बल्लेबाज अगर दोनों में से दोस्तों कोई भी बल्लेबाज अगर यहाँ से विकेट अगर निकाल देता है तो हम चाहेंगे दोस्तों कि मैच यहाँ पर जीत जाएगी आसानी से भी यहाँ पर जीत जाएगी मैच। इसी के साथ में टीम का स्कोर आपको बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 20 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 2 गेंदों में 5 रन दे चुके हैं यहाँ पर हेडन केयर, अभी भी 4 बॉलें बची हैं। मगर दिनेश चंदीमल के द्वारा देखा जाएगा कि किस तरह से वापसी करेंगे। अगर दिनेश चंदीमल की अगर मैं बात करूँ तो दिनेश चंदीमल ने यहाँ से 7 बॉलों में 1 रन बनाया, कहीं ना कहीं दिनेश चंदीमल को भी पार्टी ज्वाइन करनी होगी दोस्तों। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है, अगली बॉल देखा जाएगा दोस्तों। बता दें कि अगली बॉल और यहाँ पर बच गए भाई, यहाँ पर बच गए दोस्तों। बता दें कि लीडिंग एज लगी थी, गेंद हवा में थी और 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गई, वनिश्का फर्नांडो थे और वेंडोमर्ट थे और उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर धनी ने डसलवा पे थे दोस्तों। तीनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर गेंद गिरी और बता दें दोस्तों यहाँ पर बाल बाल बचे, इसी बाल बाल बचे के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 22 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों में अभी तक दोस्तों हमें 6 रन देखने को मिले। एक बार फिर से स्ट्राइक आ चुकी है बता दें कि बिंदु हसरंगा के सामने, और देखा जाएगा कि बिंदु हसरंगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। क्या बिंदु हसरंगा दोस्तों बता दें कि यहाँ से क्या इस ओवर में दोस्तों बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, बिल्कुल क्या लगा पाएंगे बिंदु हसरंगा देखा जाएगा। इसी समय अगली बॉल लेकर तैयार है और क्या दोस्तों बिंदु हसरंगा ने अपर पैडों पर गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेला। 2 रन की मांग तो जरूर करी है, क्या 1 ही रन तो दोस्तों संतुष्ट करना पड़ेगा, मगर बेहतरीन फील्डिंग के चलते दोस्तों यहाँ पर 2 रन की मांग तो जरूर करी गई थी दोस्तों यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, मगर 1 ही रन से देखना पड़ेगा। इसी 1 रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 23 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 20 बॉलों में टेम्पल्स का दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बी लव कैंडी का स्कोर 23 रन है। इसी के साथ में यहाँ पर हेडन केयर दिनेश चंदीमल के सामने वह एक बार फिर से आ चुके हैं। अगली बॉल इस ओवर की दोस्तों 5वीं बॉल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हेडन केयर की दोस्तों पहली बॉल पर चौका जरूर मारा था यहाँ पर बिंदु हसरंगा ने, मगर उसके बाद दोस्तों बता दें कि धीरे धीरे यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और दिनेश चंदीमल यहाँ पर इस मैच में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर डम्बल के गेंदबाजों के सामने, और इसी कारण दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है 24 पर 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर बिंदु हसरंगा 3 बॉल में 206 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी कारण में अभी भी दोस्तों आखिरी बॉल बची है और स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है दोस्तों उसका नाम है यहाँ पर बिंदु हसरंगा, आखिरी बॉल लेकर तैयार है। देखा जाएगा कि आखिरी बॉल पर दोस्तों बड़ा शॉट देखा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि आखिरी बॉल पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जड़ दिया है चौका। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ से शुरुआत दोस्तों बता दें कि आगाज भी चौके के साथ, अंजाम भी चौके के साथ। इसी के साथ में 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 28 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन दोस्तों बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो जाएगा 3 का स्कोर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा। आपको बता दें अब 28 बोलूंगा अगर बात करो दोस्तों यहाँ से, अगर मैं बात करता हूँ भाई लोगों यहाँ से 7 ओवर 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर में टीम का स्कोर 28 बना है और 28 पर दोस्तों 2 विकेट भी गिर चुके हैं। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर वी लव की कैंडी जो टीम है दोस्तों वो वापसी कर सकती है बिल्कुल, क्योंकि बता दें कि बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एक मजबूत स्थिति में हमको दिखाई दे रही है। और सिक्सर में हेडन केयर के पहले ओवर में दोस्तों यहाँ पर 12 रन प्राप्त हुए। मैं देखा जाएगा कि अगला ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आया, क्या तेज गति के यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे सहवाज धानी लेकर दूसरा ओवर आएंगे या फिर दोस्तों जनिंग डिसलवा को लेकर आया जाएगा। इसी क्षण में दोस्तों बता दें यहाँ पर अगला ओवर लेकर यहाँ पर जो कि पदम मधुशंका दोस्तों अगला ओवर लेकर आते हैं। दोस्तों पदम मधुशंका ने दिनेश चंदीमल की पहली बॉल पर दोस्तों लिया है यहाँ पर 2 रन, मिस फील्डिंग के चलते दोस्तों यहाँ पर 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट करा जाएगा और 22 रन के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा दोस्तों 30 पर 2 विकेट के नुकसान पर। बिंदु हसरंगा 4 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर जो कि 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं दिनेश चंदीमल की अगर बात करी जाए
दिनेश चंदीमल भी दोस्तों यहाँ पर 10 बॉलों में 5 रन, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं 50 के स्ट्राइक रेट से। विकेट में एक और फिर से दोस्तों स्ट्राइक है दिनेश चंदीमल के पास, और दिनेश चंदीमल को दोस्तों यहाँ पर साथ देना होगा अपने कप्तान का, और सिक्सर में दोस्तों अगली बॉल लाने के लिए तैयार है यहाँ पर प्रमोद मधुसंघ का ओवर द विकेट से। और यहाँ पर दोस्तों बता दें कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरीन शॉट, इसी शॉट के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 34 पर 2 विकेट के नुकसान पर। लगातार दोस्तों बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर गेंद जो कि मधुसंघ दोस्तों वो लगातार रन लुटाते हुए दिख रहे हैं, और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 34 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और बहुत बढ़िया दोस्तों बल्लेबाजी करी है, जितनी तारीफ करी था यहाँ पर जो कि चंदीमल के शुरुआती 7 बॉलों अगर मैं बात करूँ दोस्तों 7 बॉलों में उन्होंने सिर्फ में यहाँ पर 1 रन बनाए थे। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे वो सेट होते गए गेंदों का सामना करते गए वैसे वैसे यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी करते गए। इसी समय अभी भी तीसरी बॉल लेकर तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर मधुसंघ तीसरी बॉल को किस तरह करेंगे। तीसरी बॉल वो दोस्तों गुड लैंड पर करी और दोस्तों गेंद सीने की तरफ आ रही थी, इसी समय हल्के हाथों से गेंद को खेला है, आसानी से 1 रन देखने को मिलेगा। इसी 1 रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 35 पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक आ चुकी है यहाँ पर बिंदु हसरंगा के पास। बिंदु हसरंगा की अगर मैं बात करूँ तो बिंदु हसरंगा ने 4 बॉलों में 10 रन दिए हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर 93 गेंदों में 128 रन की दरकार है। यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट जरूर दोस्तों 8.5 का है, तो करंट रन रेट भी दोस्तों 7.25 के करीब का है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मौका है वी लव कैंडी के पास, और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि बिंदु हसरंगा ने यहाँ पर हमें जो कि हर मैच में दोस्तों अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं। अगर देखा जाएगा किस तरह करेंगे, अगर कल के मुकाबले में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 21 बॉलों में 40 रन बनाए थे यहाँ पर बिंदु हसरंगा ने। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है बिंदु हसरंगा, स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ चुके हैं और बिंदु हसरंगा ओ भाई 5वीं 4वीं बॉल दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सीधे बल्ले से खेली गई, और इसी तरह यहाँ पर मधुसंघ ने दोस्तों इस बॉल को डॉट कराया गया है। उसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 35 पर 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर यहाँ से अगर विकेट गिर जाता है जो जिस तरह से अगर कप्तान का अगर विकेट है, बता देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर दम्बल और रख के जीत में अगर कोई बल्लेबाज खड़ा है दोस्तों तो वो सिर्फ है यहाँ पर बिंदु हसरंगा दोस्तों एक ऐसा बल्लेबाज है यहाँ पर खड़ा है, वरना दोस्तों उसके अलावा दोस्तों कोई भी है बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर खड़ा होते दिखाई नहीं देगा। इसी क्षण में बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है 35 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5 बॉलों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5वीं बॉल लेकर फिर से तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा और देखा जाएगा कि दोस्तों किस तरह से मैच को आगे के लिए बढ़ेंगे। इसी क्षण में अगली बॉल को दोस्तों कट कर दिया है और आसानी से दोस्तों गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, क्या दोस्तों चौका हो जाएगा और फील्डर दोस्तों बीट करेंगे, मगर बेहतरीन फील्डिंग के चलते दोस्तों 2 रन को यहाँ पर बचाया गया अपनी टीम के लिए। और लगातार अगर मधुसंघ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों लगातार मधुसंघ यहाँ पर प्रमोद मधुसंघ यहाँ पर रन लुटाते हुए अपनी टीम के लिए। इसी क्षण में बता दें कि 237 हो चुका है टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 1 गेंद शेष बची है, यहाँ पर बिंदु हसरंगा 6 बॉलों में 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 12 के दोस्तों बता दें आप लोगों की 12 के यहाँ पर स्ट्राइक रेट से खेला जा रहा है। दिनेश चंदीमल 12 बॉलों में दोस्तों यहाँ से 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, और क्या बेहतरीन दोस्तों हमें बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बिंदु हसरंगा के बल्ले से। मगर देखा जाएगा कि दोस्तों मैच को किस तरह से लेकर जाते हैं प्रमोद मधुसंघा की बात करें। आखिरी बॉल लेकर तैयार है कप्तान, वहाँ पर सामना करेंगे और उसी कारण दोस्तों बता दें कि आखिरी बॉल को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, मगर यहाँ पर आखिरी बॉल दोस्तों बता दें कि भी डॉट हो जाएगी क्योंकि गेंद गई है सीधे यहाँ पर मिड ऑन के फील्डर के पास, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। इसी रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 37। इसी साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 37 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और बहुत बढ़िया दोस्तों बल्लेबाजी करके दिखाई है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, और सिक्स रन में दोस्तों देखा जाएगा कि मैच को किस तरह से आगे की ओर लेकर जाया जा सकता है। 5 ओवर हो चुके हैं, 5 ओवर में टीम का स्कोर 37 पर 2 विकेट के नुकसान पर है। 20 बॉलों में यहाँ पर 162 के स्कोर खेल रहे हैं, यहाँ पर 7 विकेट यहाँ पर 7 ओवर हो चुके हैं। अभी भी दोस्तों यहाँ से 1 ओवर बचा है शेष 1 ओवर। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि 5 ओवर हो चुके हैं, 5 ओवर में टीम का जो स्कोर बना है वो बना है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और लगातार दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही है दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी चलती रही तो बता दें कि यहाँ पर जो टीम का स्कोर है दोस्तों वो पहुँच जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी में दोस्तों बता दें कि पहली बॉल पर 2 रन प्राप्त हुए हैं और शहबाज धानी आए हैं दोस्तों दिनेश चंदीमल के सामने,
और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर सहवाज धोनी अगर दिनेश चंदीमल का या बिंदु अश्रंगा का विकेट निकाल देते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम बता दें कि मैच में वापसी एक बार फिर से कर सकता है यहाँ पर अगर डम्बल और रहा, मगर देखा जाएगा किस रन करेंगे। इसी तरह में जिस तरह से बल्लेबाजी और कप्तानी करी गई है मैच में वो काबिल तारीफ की थी। इसी के साथ दोस्तों उसको हो चुका है 40 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दोस्तों यहाँ से बता दें आपको एक गेंद बची, यहाँ पर 2-4 गेंदें हो चुकी हैं पावर प्ले की, लास्ट की 4 बॉलें बची हैं पावर प्ले के, लास्ट की 4 बॉलों में देखा जाएगा कि और कितने रन बनते हैं। बिंदु हसरंगा 7 बॉलों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, दिनेश चंदीमल 14 बॉलों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, सहवाज धोनी अपना दोस्तों 8 बॉलों में 3 रन दिए हैं। सहवाज धोनी ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करी है, मगर मज़ा तो दोस्तों अब आएगा क्योंकि यहाँ पर सहवाज धोनी के सामने बिंदु हसरंगा है, मगर देखना होगा कि बिंदु हसरंगा दोस्तों सहवाज धोनी की यहाँ पर तेज और करार गेंदबाजी को किस तरह से फेस करते हैं। इसी तरह में अगली बॉल लेने के लिए तैयार है सामने दोस्तों बल्लेबाज है यहाँ पर बिंदु अश्रंगा, और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि बिंदु अश्रंगा ने क्या बेहतरीन शॉट डाला है दोस्तों यहाँ पर हवाई फायर, और दोस्तों खड़े खड़े जड़ दिया है छक्का। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा दोस्तों 46 पर 2 विकेट के नुकसान पर, और ये बहुत बढ़िया दोस्तों छक्का हमें देखने को मिला है। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा 46 पर, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दोस्तों बल्लेबाजी देखने को मिली है, और इसी तरह में दोस्तों बता दें कि सहवाज धोनी ने यहाँ पर गेंद को थोड़ा सी ज़्यादा छोटा कर दिया था, और जिसके कारण दोस्तों हमें विकेट देखने को मिला है। इसी तरह में अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, सामना फिर से करा जाएगा दोस्तों सामने बल्लेबाज यहाँ पर बिंदु अश्रंगा 8 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 8 रन बनाकर खेल रहा है। बहुत ही तगड़ी पारी खेल रहा है भाई, बहुत तगड़ी पारी खेल रहा है। अगर इस मैच को जीतना है अगर डम्बल अरोड़ा की टीम को तो यहाँ पर विकेट निकालना पड़ेगा बिल्कुल भाई। इसमें गिल अप कैंडी 47 पर 202 विकेट के नुकसान पर खेल रही है, और 20 ओवर में दोस्तों यहाँ पर जो कि टीम डमला की टीम ने यहाँ पर 62 रन बनाते 7 विकेट के नुकसान पर, और वहीं गिल अप कैंडी की अगर मैं बात करूँ तो गिल अप कैंडी ने यहाँ पर 47 रन बना लिए हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष बची हैं, और देखा जाएगा कि शेष 2 गेंदों में और कितने रन बनाए जा सकते हैं। यहाँ से दिनेश चंदीमल के पास स्ट्राइक है, और सहवाज धोनी अब तक दोस्तों इस मैच में दे चुके हैं 10 रन दे चुके हैं सहवाज धोनी। दिनेश चंदीमल यहाँ पर 5वीं बॉल खेलने के लिए तैयार हैं, और दोस्तों वी लव कैंडी के जो सपोर्टर्स हैं वो दोस्तों इस मैच का यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं दोस्तों लुप्त उठाते हुए लंबे लंबे शॉट का, और 5वीं बॉल यहाँ पर ओवर द विकेट से गेंद लाने के लिए तैयार हैं दिनेश चंदीमल। देखना जाएगा किस तरह से सामना करेंगे दिनेश चंदीमल का, पर फिर से दोस्तों दिनेश चंदीमल यहाँ पर ओवर द विकेट दोस्तों कट करने की कोशिश, मगर डॉट गेंद देखने को मिली, इसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी शेष एक गेंद बची है और देखा जाएगा किस तरह से मैच को आगे के लिए लेकर जाएंगे, मगर बहुत बढ़िया दोस्तों बल्लेबाजी करते हैं बिंदु अश्रंगा। 9 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, 85 बॉलों में दोस्तों 116 रन की आवश्यकता है, और क्या दोस्तों बता दें कि यहाँ ये एक जैकपॉट मैच बन सकता है, क्या जैकपॉट। इसी के साथ में इस ओवर की आखिरी बॉल लेकर तैयार है दिनेश चंदीमल के सामने दोस्तों आ चुके हैं सहवाज धोनी ओवर द विकेट से, और देखा जाएगा कि दोस्तों आखिरी बॉल को किस तरह से यहाँ पर फेस करते हैं। इसी दोस्तों तो बता दें कि अगली बॉल को यहाँ पर खेलने और लोगों की तरफ खेला, रन लेने का कोई भी मौका नहीं, और इसी समय दोस्तों 2 लगातार डॉट गेंद देखने को मिली, और इसी समय आपको बता दें कि यहाँ से 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 6 ओवर समाप्त होने के साथ टीम का स्कोर 247 पर 2 विकेट के नुकसान पर है। दिनेश चंदीमल 216 बॉलों में यहाँ पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं बिंदु हसरंगा की अगर मैं बात करूँ तो बिंदु हसरंगा यहाँ पर 9 बॉलों में 216 यहाँ पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। सहवाज धोनी बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हुए, और बता दें कि दोस्तों यहाँ पर जो वी लव कैंडी के सपोर्टर्स हैं दोस्तों वो इस मैच का यहाँ पर लुप्त रहते हुए, और आपको बता दें दोस्तों वी लव कैंडी की टीम क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैच में वापसी करते हुए दोस्तों लगातार यहाँ पर दूसरे ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिर गए थे दोस्तों पाकिस्तान के दोनों ओपनर यहाँ पर मोहम्मद हैरिस और अकबर फकर थमा। उसके बाद दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से पार्टनरशिप करी है दोस्तों यहाँ पर दिनेश चंदीमल और यहाँ पर बिंदु अश्रंगा की अगर बात करी जाए। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अलीम दर यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए जिया थिरके दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। T20 करियर में 37 मैचों में 21 विकेट लिए हैं, और देखा जाएगा कि जिया थिरके ऑफ स्पिनर हैं, और यहाँ पर लेग स्पिनर के सामने दोस्तों किस तरह के पर गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी के सामने दोस्तों बता दें कि स्पिन गेंदबाज के सामने दोस्तों स्पिन बल्लेबाज, तो देखने का कि दोस्तों 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 6 ओवर में टीम का स्कोर दोस्तों यहाँ पर क्योंकि बना है वो बना है 47 पर क्योंकि 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर। देखा जाएगा कि अगली बॉल को किस तरह खेला जाता है। इसी साथ दोस्तों अगली बॉल ओवर द विकेट से दोस्तों डॉट गेंद हमें देखने को मिली, इसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 10 रन,
अभी तक 247 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं कि मैच यहाँ पर बन सकता है। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर यहाँ पर जाए फिर के दोस्तों ऑल राउंड द विकेट से दोस्तों तैयार है कदमों का इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर दोस्तों देखने को मिला है ये बहुत बड़ा विकेट, ये यहाँ पर दोस्तों बता दें कि बहुत बड़ा दोस्तों विकेट देखने को मिला है जिरात को। यहाँ पर जिया थिरके ने दोस्तों यहाँ पर लेग स्पिनर को दोस्तों यहाँ पर अब बोल्ड कर दिया है, बहुत बड़ा वाला विकेट। यहाँ पर जिस विकेट की अगर मैं बात कर रहा था आखिरकार दोस्तों वो विकेट मिला है। और सिक्सन में 47 पे गिरा दोस्तों तीसरा विकेट इसी तीसरे विकेट के साथ, क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं यहाँ पर बी एल एफ कैंडी के सामने। मगर देखा जाएगा कि बी एल एफ कैंडी और यहाँ पर जो कि बिंदु असरंग अपने आप से नाराज है क्योंकि बहुत ही अच्छे लय में लग रहे थे और बता दें कि स्लॉक से मारने की कोशिश करी गई थी मगर बल्ले गेंद का जो संपर्क होना चाहिए था वो संपर्क नहीं देखने को मिला। और आखिरकार दोस्तों अपना विकेट है वो यहाँ पर गंवाते हुए इसी विकेट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 47 पर 3 विकेट के नुकसान पर। बिंदु असरंग 11 बॉलों में दोस्तों 19 रन बनाकर खेल रहे हैं तो वहीं दिनेश चंदीवाल 16 बॉलों में दोस्तों 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो कोशिश यही होगी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बी लैप कैंडी के सामने किस तरह से यहाँ पर वापसी करी जाए। और क्या दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन दोस्तों गेंदबाजी करके दिखाई है यहाँ पर जो कि सचिन या थिरके ने। और सिख था दोस्तों बता दें कि यहाँ पर देखो एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं मगर देखा जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 7वां ओवर लेकर आए दोस्तों यहाँ पर जिया थिरके ने और अपनी दूसरी ही विकेट यहाँ पर दूसरी बॉल पर दोस्तों बहुत बड़ा विकेट हमें देखने को मिला है। और इसी कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा 48 पर 3 विकेट के नुकसान पर। दिनेश चंदीमल 16 बॉलों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ से टीम का स्कोर 48 हो चुका है और अभी भी यहाँ से कह सकते हैं कि मुश्किलें लगातार दोस्तों बढ़ती हुई जा रही है। वैसे दोस्तों बता दें कि वी लव कैंडी देखा जाएगा किस तरह से वापसी करेगी। बात करें दोस्तों वापसी की तो वो देखना होगा किस तरह से वापसी करते टीम का स्कोर दोस्तों 48 से 3 विकेट के नुकसान पर। 5वीं बॉल लेकर तैयार है दिनेश चंदीमल के सामने और दिनेश चंदीमल ने दोस्तों क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया है यहाँ पर टीम बॉल।